चक्करी आवाज आ रही है क्या? चेक करिए बेटा, चक्करी आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सबको। बेसिक से करवाऊंगा बेटा, टेंशन ना ले, तेरे को समझ आ जाएगा और तू क्वेश्चन कर पाएगा। यस श्रुति बेटा, श्रुति पटेल आवाज आ रही है मेरी? निखिल गौतम कश्मीर से हो, अच्छा। मिस्टर खान, पीयूष, आरती चौरसिया, ये तो बैच में थी बच्ची। यस श्रुति भी बैच में थी, ठीक है। स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें? चलिए मैं दिख रहा हूं अब आपको। हाँ मैं आपको चीजें बताऊंगा, आपको मुझे बता दो क्या मैं आपको दिख रहा हूं, विजिबल हूं? जल्दी से मुझे बता दो चैट में क्या मैं आपको दिख रहा हूं प्रॉपरली। अगर आपको मैं दिख रहा हूं तो चैट में यस लिखो। और देखो अब क्या करने वाले हैं बेटा, स्मार्ट वन शॉट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब बहुत क्रिस्प, कम उसमें, और आप देखोगे कि यार बहुत सारा एफर्ट लगता है। मतलब जब हम ये करते हैं ना, इसकी तैयारी मैं सुबह 6:30 बजे से इसको तैयार कर रहा हूं कि आपको मैं कम समय में इसको कैसे करा दूं और सारी की सारी चीजें आपको समझ में भी आ जाए और आप क्वेश्चन कर पाओ। तो एक एफर्ट है हमारा आपके लिए ताकि मैं आपका टाइम बचा सकूं, है ना। मैं अगर खड़े होकर आराम से 7-8 घंटे पढ़ाऊंगा तो मैं आराम से इसको फुल डिटेल पढ़ा दूंगा, और डिटेल के साथ साथ पूरा टाइम लेके क्या होगा, आपका टाइम भी खराब होगा। पर हमने कोशिश करी है कि इसको 1.5 घंटे के आसपास में कराएंगे ताकि आपका टाइम बचे। यस यस यस। तो एक बार चैट में बेटा सब लोग यस लिख दो, ठीक है। और मतलब मुझे बता दो क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्ट कर सकते हैं क्या? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? स्टार्ट कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं? जल्दी बताओ क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो मैंने आपका 5 मिनट लिया है, 5 मिनट खराब नहीं किया है। आपके सिर्फ 29 दिन रह गए एग्जाम के, ये डराने वाली बात नहीं है। मैं आपसे एक चीज की उम्मीद करता हूं, अगर आप अपना पूरा पूरा हर एक दिन 100% दोगे और हम आपके साथ 100% लगे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज बेटा मैंने कल से आपको बोला हुआ डोपा, 30 डोपा आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आज पहला डोपा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप परेशान मत होना, रात में आएगा आपको 8-10 बजे के आसपास। आपने वो करके सोना है, ठीक है, आपने वो करके सॉल्व करके सोना है। ऐसे आपने डेली एक डोपा की हैबिट लगानी है, उसी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्लियर है। जल्दी बेटा आपके लिए असर्शन रीजन का भी सेशन लाएंगे जिसमें हम सिर्फ असर्शन रीजन के क्वेश्चन कराएंगे, पर आपको वो कॉन्फिडेंस दे देंगे कि आप क्वेश्चन सही कर पाओ। तो वो सारी चीजें पाइपलाइन में है, बस आपको क्या करना है, अपनी उम्मीदों को जगाए रखना है बेटा। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं कि हार जिस दिन मान लोगे उस दिन हार जाओगे। आपने पूरे साल बढ़िया मेहनत करी है, ये आखिरी का टाइम है, मेरे साथ लगे रहो या हमारे साथ लगे रहो या जिस भी टीचर से पढ़ते हो उनके साथ लगे रहो, मेहनत करते रहो, मोटिवेट रहो। सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं, सब लोग आपके लिए काम करते हैं। मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं, पर मैं अपनी ये बोल सकता हूं कि हम जो कराएंगे वो एनसीईआरटी से होगा और प्रॉपरली डीप होगा। डीप मतलब आपको सारा समझ में आएगा। यस 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 यस, ठीक है। यस तो जो भी चैप्टर में कराऊंगा हाईली कंप्रेस करके कराने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं क्या टॉपिक है। टॉपिक आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, ये टॉपिक है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। लाइफ साइकिल का टॉपिक इसमें से कट गया है पर क्वेश्चन आएगा। दूसरी चीज, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मली इस चैप्टर से आते थे 2 क्वेश्चन, 2013 में आते थे इससे 3 से 4 क्वेश्चन, उसके बाद 2 क्वेश्चन सिलेबस डिलीट, मतलब कुछ रिड्यूस होने के बाद मेरे को उम्मीद है 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। मतलब आज आप यहां से कम 12 से 16 नंबर का कंटेंट लेकर जाओगे। यस 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 यस, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं, साथ में बने रहना, आपको सिर्फ 1.5 घंटे तक बने रहना है, ठीक है। मैं आपसे एकदम ब्लैंक स्लाइड है मेरे पीछे, 2 मिनट मेरी बात सुनो सिर्फ। एनसीईआरटी के पहले पेज पे क्या लिखा हुआ पहले उसको सुनना, आप बताना आपको समझ में आई तो फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा है, वहां पर आपको पढ़ाया गया है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 ही किंगडम थी, प्लांटेई और एनिमिलिया, ये याद है आपको? ये याद है? यस सर याद है। उसके बाद आई आपकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? आर एच व्हिटेकर।
मुझे ये बताओ क्या टू किंगडम क्लासिफिकेशन में फंजाई प्लांटे में थी, ये पता है आपको? यहां पर दो बातें हैं इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी लिखती है। एनसीईआरटी कहती है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस, बेसिस मतलब किस आधार पे उसे क्लासिफाई किया गया, वो हमारे पास क्या था, सेल वॉल और फंजाई, प्रोटिस्टा, कुछ प्रोटिस्टा और मोनेरा हमारे पास प्लांटे में था। समय के साथ हमारे पास प्लांटे की जो समझ है वो बदली है। यस यस यस, उसके साथ हमने इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, प्लांट किंगडम में जो एंजियोस्पर्म है उसमें कैसे क्लासिफिकेशन की जाती है वो पढ़ते हैं, उसे कहते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में ये पांच किंगडम थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। कोई डाउट है? नहीं सर। हाउ प्लांट किंगडम चेंज टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, मोनेरा, कुछ प्रोटिस्टा और फंजाई किसमें इंक्लूड थे, किसमें इंक्लूड थे? सर प्लांटे में इंक्लूड थे। क्यों ऐसे इंक्लूड थे? क्योंकि उनमें सेल वॉल होती है। यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। इस चैप्टर में हम किसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे? एंजियोस्पर्म की। और जब हम एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं हम? सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एनसीईआरटी का पहला पेज हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का। कौन सा पेज पढ़ रहे हैं बेटा? पहला पेज पढ़ रहे हैं। तो याद हो गया, क्या याद हुआ? टू किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? सेल वॉल और प्रोटिस्टा, फंजाई, कुछ प्रोटिस्टा, ये उसमें थे। अब आगे की बात करता हूं। मेरे पास ये तीन सिस्टम है। पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा है नेचुरल सिस्टम और तीसरा है क्या? फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम की पहला पॉइंट याद करना है, इट इज बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मतलब बाहर से कोई कैसा दिखता है उस पर आधारित है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल या प्लांट? मान ले मैं पूछूं तेरे से ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल और प्लांट, चैट में बता। सर दोनों हो सकता है? नहीं, क्योंकि हम किसकी पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहे हैं, प्लांट किंगडम में पढ़ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि आर्टिफिशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से कैसा दिखता है, कलर कैसा है, हैबिट कहां मिलता है और नंबर ऑफ लीफ क्या, इन पर आधारित है। आर्टिफिशियल सिस्टम में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को बराबर वेटेज दी है। क्या क्या याद करोगे? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को बराबर वेटेज देना, उससे क्या है, अनरिलेटेड साथ आ गए हैं, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। अब आर्टिफिशियल सिस्टम का कोई एग्जांपल है तुम्हारे सिलेबस में? हां सर, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने एंड्रोशियम की संख्या दी थी, वो आर्टिफिशियल सिस्टम है। तो सबसे पहले हमने क्या याद किया? सबसे पहले हमने याद किया आर्टिफिशियल सिस्टम। अब हम बात करते हैं नेचुरल सिस्टम की। नेचुरल सिस्टम क्या है बेटा? वो एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर दोनों पर आधारित है। आर्टिफिशियल किस पर आधारित था? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। ये वाला किस पर आधारित है नेचुरल सिस्टम? एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों पर आधारित है। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों पर आधारित है। क्या क्या हो सकता है? सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, ये सारी चीजें। अब आर्टिफिशियल सिस्टम से रिलेटेड साइंटिस्ट का नाम बताओ। सर कैरोलस लीनियस। क्या नेचुरल सिस्टम से रिलेटेड कोई साइंटिस्ट दे रखा? हां सर दे रखा है। क्या नाम है बेटा उसका? उसका नाम है बेंथम एंड हुकर। क्या नाम है? बेंथम एंड हुकर। उनकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है। बहुत सारी बेटा जो कोचिंग्स हैं उनमें क्लासिफिकेशन लिखवा देते हैं बेंथम हुकर की, आएगी नहीं। तो दिमाग में क्या बैठा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज, ये एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कैरेक्टर पर बेस्ड है, ठीक है, और साइंटिस्ट का नाम बेंथम एंड हुकर। नाउ व्हाट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये कहता है, मेरी बात लाइन याद करना, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ये कहता है कि दो एग्जांपल जो किसी कॉमन टैक्सा में है, दो एग्जांपल जो किसी कॉमन टैक्सा में है, कॉमन टैक्सा मतलब कॉमन ग्रुप में है, उनका कॉमन एंसेस्टर होगा। कोई किसी, जैसे मान लो मैं कहता हूं भाई तुम और गाय एनिमिलिया में है, तो उनका मतलब कॉमन एंसेस्टर मतलब कोई मैमल हो सकता है या रेप्टाइल हो सकता है, ऐसे बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम किस पर आधारित है? फॉसिल्स पर। भाई अगर मैं आपसे एंसेस्टर की बात करूं तो एंसेस्टर कैसे पढ़ते हो? फॉसिल्स से। क्या इसके अलावा कुछ और यूज कर सकते हैं? देख लेते हैं। तो मैंने आपके लिए टेबल बनाई है, मैं नोट्स ऐसे कैसे भेजूंगा। तो आर्टिफिशियल सिस्टम जो है ना बेटा, उसमें क्या है? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। दूसरा कलर, हैबिट, नंबर ऑफ लीफ। इसमें क्या है? मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर लिए थे। यस 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 यस।
और अगर आप इसका ड्रॉबैक देखेंगे ना, इसमें क्लोजली रिलेटेड को सेपरेट कर दिया और वेजिटेटिव को बराबर वेटेज दी है किससे, रिप्रोडक्टिव से। क्लियर है यहां तक? मुझे लग रहा है याद हो रहा है ये। नेचुरल किस पर बेस्ड है? नेचुरल एफिनिटी, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल कैरेक्टर पर। अल्ट्रास्ट्रक्चर मतलब सेल की डिटेल, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी। साइंटिस्ट का नाम बेंथम है हुकर। अब लिनियस ने क्या किया था बेटा, नंबर ऑफ एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम बेटा इसको बोलते हैं ना, स्टेमन के ग्रुप को, इनके नंबर पे बात की थी, ठीक है। पर ये तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है, पर इनका नंबर काउंट किया था, स्ट्रक्चर वगैरह की बात नहीं कर रहा था। फाइलोजेनेटिक सिस्टम किस पर बेस्ड है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और उसका आधार क्या है? फॉसिल्स है। पर बहुत सारी ऐसी जगह होती है बेटा जहां फॉसिल्स नहीं मिलते, तो मुझे कुछ ऐसी ब्रांच की आवश्यकता है जो मुझे हेल्प करे फाइलोजेनेटिक में। उसमें से एक ब्रांच है न्यूमेरिकल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल में क्या याद रखना। पहला, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब नंबर। किसका नंबर? कैरेक्टर का नंबर। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आपने दिमाग में ये रखना है कि हमने सारे कैरेक्टर्स को नंबर दे दिए। सारे कैरेक्टर्स को क्या दे दिए बेटा? नंबर दे दिए। हमने सारे कैरेक्टर्स को क्या दे दिए न्यूमेरिकल में? हमने क्या किया? सारे कैरेक्टर्स को हमने क्या दिए? नंबर दिए, कोड दिया है, और हमने उनको इक्वल वेटेज दिया और एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाया। मतलब हमने क्या किया, लीफ की शेप उसको एक कोड दे दिया, फ्लावर कलर को दे दिया, एंड्रोशियम को, सबको एक कोड दे दिया और एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाया, और उसके थ्रू हम क्लासिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। दूसरी का नाम है साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो का नेम मुझे चैट में बताओ, एक और नाम क्या है साइटो का? एक और नाम बताओ चैट में, देखें कितने को याद है। देख बेटा, मैं अगर तेरे से पूछूं सेल में कोई ऐसी चीज बता जो सारे तेरे सेल में कॉमन है, सर क्रोमोसोम नंबर। तो साइटो टैक्सोनॉमी को कैरियो टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। और इसमें हम क्या बात करते हैं? क्रोमोसोम का नंबर, बिहेवियर। बिहेवियर कब? डिवीजन में बिहेवियर। तो साइटो और कैरियो टैक्सोनॉमी क्या है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर और बिहेवियर। कीमो टैक्सोनॉमी, अब एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन किया है, कीमो का मतलब है कि जो केमिकल प्लांट्स में प्रेजेंट है। सही है, केमिकल किसमें प्रेजेंट है? प्लांट में प्रेजेंट है। मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, केमिकल प्लांट्स क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा हम क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म की पढ़ रहे हैं, तो प्लांट्स में कौन से केमिकल? क्या स्टार्च? नहीं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आपको पता है कि तुलसी में एक अलग स्मेल होती है, मस्टर्ड में एक अलग स्मेल होती है, तो जो केमिकल एक पर्टिकुलर प्लांट में है। तो आपने तीनों सिस्टम याद कर लिए। पहला, आर्टिफिशियल सिस्टम किस पर बेस्ड है? सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी। नेचुरल सिस्टम नेचुरल एफिनिटी पर। यस यस, बेंथम हुकर इसमें है, इसमें लीनियस है, इसने दिया नंबर ऑफ एंड्रोशियम, याद हो रहा है। फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर है, ठीक है। किससे करते हैं? फॉसिल से। कुछ और ब्रांच जो मदद करती है, न्यूमेरिकल साइटो टैक्सो। न्यूमेरिकल में क्या है? हर एक कैरेक्टर को कोड देंगे, हर एक कैरेक्टर को क्या देंगे बेटा? एक कोड देंगे, और वो जो कोड है ना, वो जो कोड है, उस कोड को बराबर वेटेज देके कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनेंगे। यहां तक कोई डाउट? जल्दी बताओ चैट में, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर आप चैट देख रहे हो और दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे, वो वही तो चाह रहा है। आप समझदार हो, बनो और डेढ़ घंटा पूरा मेरी तरफ देखो, कुछ और नहीं समझना आपने। सबसे पहले मैं रिवाइज कर रहा हूं, मुझे बताओ, आप रिवीजन साथ के साथ कर रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बताओ कि आपको समझ में आ रही है बातें जो मैं बोल रहा हूं। यस, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि टू किंगडम में बेसिस क्या था? सेल वॉल। कुछ ग्रुप पहले प्लांटे में थे, अब नहीं है। हम एंजियोस्पर्म की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहता है कि जो एग्जांपल्स किसी कॉमन ग्रुप में, उनका कॉमन इंसिस्टर है। यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक कोई डाउट है? सही है, बढ़िया, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब आगे बढ़ने से पहले, कितने बच्चों को यह पता है कि बिना एग्जांपल याद करे नहीं बढ़ा जा सकता? तो क्यों ना हम एल्गी के एग्जांपल एक बार याद कर ले। ठीक है सर, कर लेते हैं। ग्रीन एल्गी में क्लमाइडोमोनास, ग्रीन एल्गी में क्लमाइडोमोनास याद होगा? ग्रीन एल्गी में क्लमाइडोमोनास हमारा एग्जांपल है। क्लोरेला में फ्लैजिला नहीं होता, क्लमाइडोमोनास में ऐसे दो फ्लैजिला होते हैं, क्लोरेला में फ्लैजिला नहीं होता। वॉल्वॉक्स कोलोनियल होता है और ऊगेमस भी है। स्पायरोगेरा फिलामेंटस है, यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है, कारा, सही है। ये क्या है बेटा? ये फिलामेंटस है। यूरोरिना अकेला एग्जांपल है एन आइसोगेमस का,
जो तेरी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। अब मुझे चैट में बताओ कि ग्रीन एल्गी के कौन से एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा में है। चैट में बताओ ग्रीन एल्गी के कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं। बेटा वॉइस ठीक आ रही है, एक बार आपको मैं बता रहा हूं, ग्रीन एल्गी के कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो प्रोटिस्टा में अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। जल्दी से बताएंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लोरेला और क्लोमैडोमोनास, कौन कौन है? क्लोरेला और क्लोमैडोमोनास, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्लोरेला का एक यूज बता, क्लोरेला को कौन यूज करता है? स्पेस ट्रैवलर, किस लिए? सोर्स ऑफ प्रोटीन, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। क्लैडोफोरा किस रीजन से तुझे याद रखना है? कोई और रीजन बता, क्लैडोफोरा किस रीजन से याद रखना है? सर टीडब्ल्यू एंगलमैन ने एक्सपेरिमेंट किया था। किसने किया था? सर टीडब्ल्यू एंगलमैन ने, यस 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 यस, किसने किया था? सर टीडब्ल्यू एंगलमैन ने किया था एक्सपेरिमेंट, यस 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 यस। कारा, कारा एक ऐसा एग्जाम्पल है जो क्लास ट्वेल्थ के चैप्टर वन में हुआ करता था, जिसमें अपर यूगोनियम था, लोअर एंथ्रीडियम था, ठीक है सर, उसको अभी नहीं करते। तो ये तेरे एक पास एग्जाम्पल है। ब्राउन एल्गी में कैल्प एक्टोकार्पस लेमिनेरिया सार्गेसम डिप्टेरोटा फ्यूकस, फ्यूकस क्यों याद रखना है? डिप्लोंटिक है और ऊगेमस है। फ्यूकस क्यों याद रखना है? डिप्लोंटिक है और ऊगेमस है, इसलिए याद रखना है। रेड एल्गी में चार एग्जाम्पल है, दो पी से है, दो जी से है, पी टू जी टू, दो पी से है, पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा जिलीडियम ग्रेसिलेरिया। कितने बच्चों को एग्जाम्पल याद है और याद हो गया? जल्दी बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एग्जाम्पल याद है और याद हो गया? जल्दी बताओ, चैट में, चैट में बताओ, जल्दी से चैट में बताओ, चैट में, चैट में, चैट में, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको एग्जाम्पल याद हो गया और प्रॉपरली याद है? याद है, सही है यार, चलो आ जाओ। अब आओ, क्या हम बाकी एग्जाम्पल भी करेंगे? नहीं सर, आगे करते हैं, अभी रुक के करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, मैंने क्या लिखा हुआ, ये पांच ग्रुप है। इधर देख, मेरी तरफ देख ध्यान से, बोर्ड में एग्जाम्पल पहले मन में रख, पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा जिलीडियम ग्रेसिलेरिया रेड एल्गी चार एग्जाम्पल है, ब्राउन एल्गी छह एग्जाम्पल है, कैल्प एक्टोकार्पस और लेमिनेरिया सार्गेसम डिक्टोटा फ्यूकस बाकी ग्रीन एल्गी के। याद हो रहे हैं? जल्दी बता, जल्दी जल्दी बता बेटा, ठीक है, आगे आ जाते हैं। ये मैंने इसलिए टेबल बनाई है और मैं चाहूंगा कि तू उस टेबल को ध्यान से समझ। ये पहला एल्गी है, दूसरा ब्रायोफाइट है, तीसरा टेरिडोफाइट है, चौथा जिम्नोस्पर्म है, पांचवा एंजियोस्पर्म है। अब आपको यह समझना पड़ेगा बेटा कि एल्गी की जाइगोट में मियोसिस होती है। अगर आपको यह पता है तो आप थोड़ा तो तैयार हो एग्जाम के लिए। आप में से कितने बच्चों को पता है कि एल्गी जो है उसकी लाइफ साइकिल हैप्लोंटिक होती है और उसके जाइगोट में मियोसिस होती है? ह्यूमन के जाइगोट में माइटोसिस होती है, बाहर जो तेरे घर के पेड़ है उसके भी जाइगोट में क्या होती है? माइटोसिस। तो यहां पर मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूं कि यहां एल्गी जो है उसके जाइगोट में क्या होगी? मियोसिस होगी। ब्रायोफाइट में नहीं होगी, टेरिडोफाइट में नहीं होगी, जिम्नोस्पर्म में नहीं होगी, एंजियोस्पर्म में नहीं होगी। कोई डाउट है? नहीं। वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल कहां से स्टार्ट होता है? एल्गी में नहीं होता, ब्रायोफाइट में नहीं होता, जाइलम फ्लोएम जो है टेरिडो जिम्नो एंजियो यहां से होता है। स्पर्मेटोफाइट का मतलब है सीड होना, सीड किसमें किसमें प्रेजेंट है? एल्गी में सीड होते हैं? नहीं। ब्रायोफाइट में होते हैं? नहीं। टेरिडोफाइट में होते हैं? नहीं। जिम्नो और एंजियो में सीड होते हैं। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, जिन किसी भी प्लांट में दो स्टेज होती है, एक होती है गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट। चैट में मुझे बताओ गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? जल्दी बता भाई चैट में, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? चैट में बताओ, जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी चैट में बता, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? सर हैप्लॉइड है। तो जो डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट का मतलब प्लांट जो है, प्लांट कैसा होना चाहिए? हैप्लॉइड होना चाहिए। प्लांट कैसा होना चाहिए? हैप्लॉइड होना चाहिए। तो एल्गी और ब्रायोफाइट कैसे प्लांट है? हैप्लॉइड प्लांट है। टेरिडो जिम्नो एंजियो कैसे प्लांट है? डिप्लॉइड प्लांट है। यस और नो? अगर मैं कहता हूं डोमिनेंट स्पोरोफाइट है तो प्लांट कैसा है? प्लांट डिप्लॉइड है।
तो मेरे पास एलगी में डोमिनेंट गैमेटोफाइट है नहीं, ब्रायोफाइट में है नहीं, इन तीनों में मेन स्टेज स्पोरोफाइट है। एलगी ब्रायोफाइट में मेन स्टेज गैमेटोफाइट है, इतनी बात याद रहेगी। तो एलगी कैसी हो गई, हैप्लॉइड हो गई। डिप्लॉइड कौन है, ये तीनों। लाइफ साइकिल एलगी की हैप्लोन्टिक, इन दोनों की हैप्लोडिप्लोन्टिक, यस और नो, इन दोनों की डिप्लोन्टिक। यदि आपको कोई सवाल पूछे मुझे ऐसा हैप्लोइड प्लांट बताओ जो हैप्लोडिप्लोन्टिक है तो ब्रायोफाइट, मुझे ऐसा हैप्लोइड प्लांट बताओ जो हैप्लोन्टिक है एल्गी, मुझे ऐसा प्लांट बताओ जो हैप्लोडिप्लोन्टिक और डिप्लॉइड है टेरिडोफाइट, मुझे ऐसा प्लांट बताओ जो डिप्लॉइड और क्या है डिप्लोन्टिक है जिम्नो और एनजियो। यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बताओ। यहां तक कोई डाउट है? चले आगे, चल मैं तुझे क्वेश्चन देता हूं, देखिए कितने बच्चे कर पाएंगे, देखिए कितने बच्चे कर पाते हैं। भाई कल ही परसों, भाई कितने बच्चे कर पाते हैं, देखते हैं जल्दी से। मैंने आपसे बोला हैप्लॉइड प्लांट बताओ, तो जैसे ही मैं बोलूं हैप्लॉइड प्लांट तो एल्गी और ब्रायोफाइट का एग्जांपल खोजना है, तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा मार्केंशिया। नहीं, इसमें मार्केंशिया क्यों आ जाएगा, क्योंकि पाइनस जिम्नो है, साइकस जिम्नो है, ये टेरिडोफाइट है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। कर पाओगे, बहुत बढ़िया, सही है। तो क्या ये टेबल मेरे दिमाग में बैठ सकती है, मैं रिवाइज कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। एल्गी ब्रायोट हैप्लॉइड प्लांट है, टेरिडो जिम्नो एनजियो डिप्लॉइड प्लांट है, एल्गी और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, टेरिडो जिम्नो एनजियो में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, एल्गी हैप्लोन्टिक है, ब्रायोटेरिडो हैप्लोडिप्लोन्टिक है, जिम्नोस्पर्म डिप्लोन्टिक है। यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है? नहीं, आ जाओ भाई। अब हम बात करेंगे एल्गी की। चलिए पहला टॉपिक एल्गी पे आ गए, एल्गी पे। भाई देख भाई, मैं तेरे से जो पूछूं मुझे बताइयो, आर्टिफिशियल सिस्टम में तुझे कौन से साइंटिस्ट का नाम याद रखना है? सर लीनियस। नेचुरल सिस्टम में क्या याद रखेगा? सर बेंथम एंड हुकर। आर्टिफिशियल सिस्टम किस पर बेस्ड है? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। बेंथम हुकर का कौन सा सिस्टम है? नेचुरल सिस्टम पे बात किया हुआ है। फाइलोजेनेटिक में साइटोटेक्सोनोमी क्रोमोसोम से रिलेटेड बात करती है। न्यूमेरिकल में वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों को मतलब इक्वल वेटेज देके कोड दिया हुआ है। यस, और कीमोटेक्सोनोमी में केमिकल। आ जा भाई देख, अब हम बात करते हैं एल्गी की। आपको कुछ नहीं पता एल्गी के बारे में तो भी ध्यान से सुनना, एल्गी और फंजाई इनको क्लास 9th में थैलोफाइटा में पढ़ाया जाता था। उनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, इसलिए बॉडी को हम क्या बोलते हैं, थैलस लाइक। दूसरा, पूरे प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल होता है, पूरे प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और कौन सा क्लोरोफिल कंपल्सरी है? क्लोरोफिल ए पूरे प्लांट किंगडम में होता है, इसलिए पानी टूटेगा और ऑक्सीजन बनेगी। इस बात से सब एग्री कर रहे हैं, पूरे के पूरा प्लांट किंगडम एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एनजियो सब में क्लोरोफिल ए कंपल्सरी है। यस, क्लियर है, क्लोरोफिल ए सब में होगा। यस, आगे आ जाओ। एल्गी जो होती है बेटा वो फ्रेश वाटर होती है और मैरीन होती है। मैरीन में भी कुछ गर्म पानी हो सकता है, हां सर, और उसके अलावा बेटा ब्रैकिश वाटर हो सकता है, तो हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैबिटेट हैं जिसे हम अनयूजुअल कहते हैं, जैसे कि मान लो गीली मिट्टी हो सकती है, स्नो हो सकता है, एल्गी लाइकन के साथ मिल सकती है, और किसी एनिमल पर मिल सकती है जिसे हम कहते हैं स्लॉथ बियर। यस और नो? तो नॉर्मली हैबिटेट का बहुत रेयर है कि कोई क्वेश्चन आता है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे बेटा, तीनों एल्गी पढ़ेंगे और तीनों एल्गी में ये चीजें कंपेयर करेंगे, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन में क्या क्या कवर करेंगे, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो अपने दिमाग में आप एल्गी के लिए क्या बिठाओगे, सबसे पहले एल्गी एप्लॉइड प्लांट है, डिप्लॉइड प्लांट है? सर एप्लॉइड प्लांट है। एल्गी में रूट स्टेम लीफ होती है, नहीं थैलस होता है। एल्गी में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए सारी एल्गी में होता है। एल्गी कहां मिलती है, पानी में। अगर कोई चीज पानी में मिलेगी तो उसका पूरा का पूरा थैलस पानी के कॉन्टेक्ट में है, तो क्या रूट होनी चाहिए? नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा थैलस पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। यहां तक याद हो गया। अब हम क्या करेंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, तीनों को कंपेयर कर ले जाएंगे और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। सही है, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। यहां तक कोई डाउट है तुम्हें? यहां तक डाउट है कोई? जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ, आगे आ जाओ। अब आते हैं ग्रीन एल्गी में, अब आते हैं ग्रीन एल्गी में। ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा उसको समझने की कोशिश करना। देखो आप क्या करोगे ना, ग्रीन, ब्राउन और रेड में थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में भी मिलती है और मेरीन भी है, पर ज्यादा ग्रीन एल्गी कहां है, फ्रेश वाटर में। अब ये जो है ना ब्राउन एल्गी, ये भी मेरीन है और ये भी मेरीन है। तो अपने दिमाग में याद रखो कि पॉन्ड में ज्यादा ग्रीन एल्गी मिलेगी। यहां तक कोई डाउट है तुम्हारे दिमाग में? यहां तक कोई डाउट है? ग्रीन एल्गी का जो जो नाम है उसको क्या बोलते हैं बेटा, क्लोरोफाइसियाई बोलते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन नीट में ये आ सकता है कि फाइसियाई क्या क्लास है, इसको क्या बोलोगे? सर फियोफाइसियाई। क्या बोलोगे? फियोफाइसियाई बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? सर रोडोफाइसियाई बोलोगे। ठीक है, अपने दिमाग में बेटा देख, कुछ में एक में लिखा है कि मेनली मरीन, रेयरली फ्रेश वाटर, इन सबसे ज्यादा नहीं पूछेगा। पर रेड एल्गी तेरा डीप सी में मिलती है, ऐसी बात तेरे पास उसमें लिखी है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में, ये ध्यान रख। और कुछ गर्म पानी में मिलती है, तो ये थोड़ा तेरे को दिमाग में रखना है। ब्राउन एल्गी मरीन है, ये मरीन है। सही है, याद रहेगा? सर याद रह जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ध्यान से सुनिए जो मैं बताऊंगा। स्ट्रक्चर में मुझे तीन चार चीजें पढ़नी है एल्गी में। सबसे पहले पढ़नी है मुझे सेल वॉल। यस, सेल वॉल, इधर देख मेरी तरफ देख। किसी भी सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सेल वॉल सारे प्लांट में सेलुलोज की होती है, सारे प्लांट में सेल वॉल किसकी होती है, सेलुलोज की। उसके बाहर कोई केमिकल अगर लगा हो ना, उससे वो पानी होल्ड कर सकता है थोड़ा बहुत, मतलब केमिकल होता है कुछ ना कुछ बाहर की साइड। वो मेरे पास क्या है, पेक्टिन है। तो पेक्टिन क्या है, आउटर है। तो अपने दिमाग में याद रखना है कि सेलुलोज और पेक्टिन है किसमें, ग्रीन एल्गी में। ऐसे ही सेलुलोज तो रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी में भी होगा। अगर आपसे कोई कहे कि सेलुलोज क्या तीनों एल्गी में होगा, हाँ होगा, पर उसके साथ यहां पर एल्जिन होगा और इसके साथ यहां पर क्या होगा, काराजीन होगा और साथ में बेटा पॉलीसल्फेट एस्टर हो सकता है, पॉलीसल्फेट एस्टर हो सकता है। लेकिन काराजीन इसमें है, एल्जिन इसमें है और ये दोनों पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ये दोनों, इनको हम कहते हैं हाइड्रोकोलोइड। क्या बोलेंगे, हाइड्रोकोलोइड बोलेंगे। तो मेरे दिमाग में क्या गया, सभी एल्गी में सेल वॉल सेलुलोज की है, पेक्टिन ग्रीन एल्गी, आउटर एल्जिन और काराजीन। यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बताओ भाई, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है बेटा, यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर। अब आओ सेल वॉल के बाद हम बात करते हैं किसकी, सेल वॉल के बाद हम बात करते हैं फ्लैजिला की। कितने लोगों को पता है, मेरी बात का जवाब देना, प्रोक्रियोट और यूक्रियोट का फ्लैजिला अलग होता है। यूक्रियोट का फ्लैजिला जो होता है ना, उसमें बेसल बॉडी और फिलामेंट होता है जिसमें 9+2 और अरेंजमेंट होती है। ग्रीन एल्गी में 2 से लेकर 8 फ्लैजिला होते हैं और वो ऊपर की तरफ होते हैं, ऊपर मतलब ऐसे होते हैं, और वो होते हैं किसमें, ज़ूस्पोर में होते हैं और गैमेट्स में होते हैं। इस बात में कोई डाउट है किसी को? ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजिला हैं, लेटरल हैं। कैसे हैं बेटा, लेटरल हैं, और इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला कहां है, तो वो भी तो ज़ूस्पोर में होंगे और साथ में किसमें होंगे, गैमेट्स में होंगे। कोई डाउट है इसमें, बता दो जल्दी से, यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बताओ बेटा, क्लियर क्लियर क्लियर? हां ठीक है,
क्लियर है। तो मैं फिर बोलूंगा बेटा चैट पे बिल्कुल ध्यान मत देना, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पैसा देके भेजा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए कम कंप्रेस करके कराऊंगा सारे चैप्टर जो जो बचे हैं, हो सकता है मैं एक सिंगल लेक्चर में पूरी इकोलॉजी करा दूं आपको, तो प्लीज ध्यान देना कोई डाटा मिस नहीं होगा, ठीक है आगे आ जाओ। फ्लैजिला के बाद अपने बात करते हैं पिगमेंट की। मैंने आपको बोला कि इस पूरे प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल ए कॉमन है, यस सर, क्लोरोफिल ए कॉमन है, उसके साथ क्लोरोफिल ए इसमें भी है और इसमें भी है, उसके साथ इसमें मेरे पास क्लोरोफिल बी है, इसमें मेरे पास क्लोरोफिल सी है और इसमें मेरे पास क्लोरोफिल डी है, उसके अलावा एक रेड कलर का पिगमेंट है जिसे फाइको इरिथ्रिन कहते हैं, ये रेड होता है, इसमें मेरे पास एक पिगमेंट है जिसे फ्यूकोजेंथिन कहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, देखिए कितने बच्चों को याद है रेड एल्गी के अलावा रेड पिगमेंट और किस ग्रुप में आपने पढ़ा था, चैट में बताओ, रेड एल्गी के अलावा एक रेड पिगमेंट आपने और किस ग्रुप में पढ़ा था, चैट में बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ आपने किस में पढ़ा था, जल्दी बताओ सर, डायनोफ्लैजेलेट में, बहुत अच्छे। स्टोरेज पे आ जाते हैं, स्टोरेज देख, स्टोरेज ग्रीन एल्गी में बता बेटा, ग्रीन एल्गी की स्टोरेज बता सर, यहां पर मेरे पास क्या होगा, यहां पर मेरे पास स्टार्च होगा और साथ में ऑयल होगा, यस सर, यहां पर ब्राउन एल्गी में मेरे पास है लेमिनेरियन स्टार्च, एक खास तरह का स्टार्च है जिसको क्या बोल रहे हैं बेटा, लेमिनेरियन स्टार्च बोल रहे हैं, और साथ में एक एक तरह का एल्कोहल है उसे मैनिटॉल बोल रहे हैं, और इसमें मेरे पास है फ्लोरिडियन स्टार्च। अब कितने बच्चों को यह याद है कि फ्लोरिडियन, ये नीट का क्वेश्चन है, ये नीट का क्वेश्चन है, फ्लोरिडियन स्टार्च इज सिमिलर टू किससे सिमिलर है बताओ जल्दी से, ग्लाइकोजन जो एनिमल में मिलता है और अमाइलोपेक्टिन। तो मैं अगर आपसे कहूं, ध्यान से सुने, मैं आपसे कहूं कि डैश एल्गी हैव स्टोरेज सिमिलर टू एनिमल स्टोरेज, नाम बताओ, आप कहोगे सर ये क्या क्वेश्चन है, रेड एल्गी में एनिमल ग्लाइकोजन किसमें मिलता है, एनिमल में, एनिमल स्टोरेज जैसा है, तो वो मेरे पास क्या आ गया, रेड एल्गी आ गया, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आओ जरा हम उसके अलावा बेटा कुछ चीजें बता देते हैं, ब्राउन एल्गी में इस तरीके से होता है स्टाइप, होल्ड फास्ट, ऐसे होता है स्टाइप और ऐसे होता है फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड जो है वो मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है, यस, मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट क्या है बेटा, फ्रॉन्ड है, यस, इसको बोलते हैं स्टाइप और इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट अटैचमेंट के लिए होता है, क्लियर है, यस। अब आओ अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन सबने सुना है कि नहीं सुना, टुकड़ों में टूट जाना, ऐसा क्यों, क्योंकि थैलस है, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन होती है, ब्राउन एल्गी में यस होगी, इसमें भी फ्रेगमेंटेशन होती है। चैट में कितने कोई बच्चा ऐसा है जो ये बता दे, कोई एक ऐसा बच्चा हो जो ये बता दे मुझे कि एक ऐसी एल्गी का नाम बताओ ग्रीन एल्गी का जिसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकती, एक ऐसी एल्गी का नाम बताओ जो फिलामेंटस नहीं है ग्रीन एल्गी है, तो ग्रीन एल्गी में फ्रेगमेंटेशन किसकी नहीं हो सकती, जो यूनिसेलुलर एल्गी है, और अगर मैं तुझसे बोलूं कि फिलामेंटस कौन नहीं है ग्रीन एल्गी में, क्लाइडोमोनास क्लोरेला और वॉलवक्स कोलोनियल है, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी एल्गी फिलामेंटस में काउंट कर सकता हूं, क्लाइडोमोनास क्लोरेला और वॉलवक्स को छोड़ के बाकी सारी में किसमें काउंट कर सकता हूं, फिलामेंटस में काउंट कर सकता हूं, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब एसेक्सुअल में मेरे पास ज़ूस्पोर मिलते हैं, अब ज़ूस्पोर में कितने होंगे, 2 से 8 फ्लैजिला होगा, यस और नो, इसमें बेटा 2 फ्लैजिला होंगे, लेटरल होंगे और अनइक्वल होंगे, ऐसे 2 होंगे साइड में देख, और ये सेल कैसा होगा, पियर, पियर मतलब नाशपाती शेप का, यस, और इसमें बेटा कोई फ्लैजिला नहीं है तो क्या नहीं मिलेगा, इसमें स्पोर कैसा है, स्पोर है, हाँ सर, ए प्लेनोस्पोर। मैं आपको एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देता हूं, रेड एल्गी नॉट हैव ए सेक्सुअल स्पोर, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, रेड एल्गी में ए सेक्सुअल स्पोर होता है बट फ्लैजिला नहीं होता। आप फंजाई में एक ग्रुप का नाम लिखो जिसमें ए सेक्सुअल स्पोर नहीं होते, कितने बच्चों को याद है जल्दी से बताओ, फंजाई में एक एग्जाम्पल लिखो जिस एक ग्रुप का एग्जाम्पल लिखो जिसमें ए सेक्सुअल स्पोर नहीं होते, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट 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 फास्ट, एक एक एग्जाम्पल लिखो, बेसिडियो, साबास, आकाश, बेसिडियो, बेसिडियो, बहुत बढ़िया, बेसिडियो, पिटाई कर दूंगा जिसने ड्यूटीरियो लिखा है,
बेसिडियो। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रेड एल्गी में एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते, होते हैं, पर उसमें नॉन मतलब मोटाइल नहीं होते। सेक्सुअल की बात करेंगे, सेक्सुअल में एक है मेरे पास आइसोगैमस, यस, फिर है मेरे पास एन आइसोगैमस। आइसोगैमस का एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन कई बार आया। नॉन मोटाइल मतलब फ्लैजिला नहीं है, आइसोगैमस का मतलब दोनों गैमेट सेम साइज के। उसका एग्जांपल स्पाइरोगायरा है, याद करो मेरे साथ। आइसोगैमस का एग्जांपल स्पाइरोगायरा याद करो, नॉन मोटाइल का। मोटाइल में यूलोथ्रिक्स दे रखा है, यूलोथ्रिक्स दे रखा है, और क्या दे रखा है बता। यूलोथ्रिक्स के अलावा क्लाइडोमोनास भी हो सकता है, और चाहो तो क्लेडोफोरा भी लिख सकते हो, पर यूलोथ्रिक्स याद रखेंगे, ठीक है। एन आइसोगैमस में यूडोरीना, और ऊगैमस में क्या याद रखेगा बेटा, ऊगैमस में वॉल्वॉक्स याद रखेंगे हम, क्या याद रखेंगे, वॉल्वॉक्स। सर इसमें आइसो होता है, हाँ सर आइसो होता है। इसमें एन आइसो होता है, हाँ सर, कोई एग्जाम्पल दे रखा नहीं। इसमें ऊगैमस का एग्जाम्पल दे रखा है फ्यूकस, तो ऊगैमस मेरे पास क्या है, फ्यूकस। और सारी रेड एल्गी हम यहां पर क्या लिखेंगे, रेड एल्गी ऊगैमस होती है, क्या होती है, ऊगैमस। ये वाला डाटा सारे बच्चे, जिसको आता है नहीं आता है, जो ज्यादा चतुर है, ये वाला डाटा तीन बार रीड कर, नहीं तो पिटाई करूंगा मैं, जल्दी कर, जल्दी जल्दी तीन चार बार रीड कर, जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी 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 जल्दी, यस यस यस। आइसोगैमस मेरे साथ बोल, आइसोगैमस नॉन मोटाइल स्पाइरोगैरा, आइसोगैमस मोटाइल यूरोथ्रिक्स क्रोमैटोमोनास क्लेडोफोरा, एन आइसोगैमस यूडोरिना, ऊगैमस वॉल्वॉक्स। ब्राउन एल्गी में तीनों होता है, ऊगैमस का सिर्फ एग्जाम्पल दे रखा है फ्यूकस, रेड एल्गी में क्या दे रखा है, ऊगैमस दे रखा है। क्या इतनी चीज हम याद कर सकते हैं, जल्दी बताओ, क्या इतनी चीज हम याद कर सकते हैं, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, इतनी चीज याद कर सकते हैं, यस यस यस, जल्दी बताओ, इतनी चीज याद हो गई, ठीक है, ठीक है। आदर्श बेटा मेरा नाम रोशन मत कर, अपने पेरेंट्स का कर बच्चे, और जिस दिन तू उनका नाम रोशन करेगा वो खुश होंगे, बस उनको बता दियो किससे पढ़ रहा है, ठीक है, अदर ध्यान दे। आइसोगैमस एंड आइसोगैमस ऊगैमस, ये आ गया यहाँ पे फ्यूकस, यहाँ पे आ गया ऊगैमस। ये अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आपने याद किया मेरे कहने से, ये वाला नीट में इसके आने के बहुत हाई चांसेस है। अब आ जा, आ जा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं भाई। एल्गी जो है CO2 फिक्स करती है, एनसीईआरटी कहती है मोर देन 50%, मोर देन 50% जो होता है वो CO2 कौन फिक्स करता है, एल्गी। वो ऑक्सीजन बनाती है अपने एनवायरमेंट में, क्योंकि ऑक्सीजन बनाती है ना एल्गी, ऑक्सीजन बनाती है, क्लोरोफिल ए है, और वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है किसमें, फूड चेन में, यस और नो। तो ये तीन इंपॉर्टेंस आपको याद रखनी है, पहले तो पोरफायरा लेमिनेरिया सार्गेसम, वो मेरी बात सुनना ध्यान से, पोरफायरा लेमिनेरिया सार्गेसम, क्या ये मैरीन एल्गी है, यस, ये उन 70 स्पीशीज में से हैं जो खाते हैं। तो अमंग 70, अमंग मतलब इन्हीं में से 70 है, अमंग 70 स्पीशीज जो एडिबल है, मैरीन है ये, क्या है, मैरीन। एल्जिन और काराजिन कहां से मिलता है बेटा, देख ले बच्चे, एल्जिन कहां से मिलता है, सर ब्राउन एल्गी से, ये मिलता है रेड एल्गी से, ये वाटर होल्ड करते हैं, वाटर होल्ड करते हैं, इनको कहते हैं हाइड्रोकोलोइड। क्या बोलेगा इनको, सर हाइड्रोकोलोइड बोल देंगे। अगार किससे मिलता है, जिलीडियम से और ग्रेसिलेरिया से, याद करेंगे इसे, ग्रेसिलेरिया से। अब यहां पर बताता हूं आपको कंफ्यूजन पॉइंट क्या है, ये जो CO2 वाली बात है ना, एक लाइन है जिससे क्वेश्चन आया था चीफ प्रोड्यूसर वाला, मुझे बता जरा चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन क्या है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन किसके लिए लिखा है, मुझे चैट में चाहिए आंसर, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन किसके लिए, प्लांट किंगडम में लिखा हुआ किसके लिए लिखा हुआ, जल्दी बताओ, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन किसके लिए लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी नोट 100% भेजूंगा इसका टेलीग्राम पे, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन किसके लिए लिखा है, सर डाई एटम के लिए, और यहां पर क्या लिखा है, मोर देन 50% फिक्स करता है, यही कंफ्यूजन पॉइंट है जहां पर क्वेश्चन गलत कर सकते हो। और क्लोरेला रिच इन प्रोटीन यूज बाय स्पेस ट्रेवलर, याद कर रहे हैं, अब याद कर रहे हैं, फिक्स CO2 कौन करेगा, 50% से ज्यादा एल्गी है, ऑक्सीजन बढ़ा रहा है, फर्स्ट आता है ट्रॉफिक लेवल पे, फिर हमारे पास है एल्जिन, ब्रायन एल्गी, रेड एल्गी, काराजिन, ये हाइड्रोकोलोइड है, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया बनाता है अगार,
अगार यूज करते हैं कल्चर करने में, कल्चर मतलब ग्रो करने में, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया आइसक्रीम और जेलीज में यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, सॉलिडिफाई कर देता है। याद हो रही चीजें याद हो रही है, आइसोगेमस नॉन मोटाइल स्पाइरो वगैरह, आइसोगेमस मोटाइल क्रोमैटोमोनास, और क्या है, और क्या है, यूलोथ्रिक्स, यूडोरिना एंड आइसोगेमस, ऊगेमस, फ्यूकस और वॉल्वोक्स दोनों है। रेड एल्गी ऊगेमस होती है, रेड एल्गी में कोई फ्लैजिला नहीं, पियर शेप सेल ब्राउन एल्गी में होता है। याद हो रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट 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 जल्दी बताओ, याद हो रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, यस यस यस, ठीक है। तो हमारे पास एक जनरल लाइफ साइकिल एल्गी की, जो आपको ध्यान रखना है, एल्गी का मेन प्लांट, मेन स्टेज क्या है, एल्गी की मेन स्टेज क्या है, ये गैमेटोफाइट है। और ये स्टेज कैसी होती है सर, हैप्लॉइड होती है। एल्गी की ये वाली स्टेज जो है ये क्या है सर, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट की माइटोसिस करके, गैमेटोफाइट की माइटोसिस करके गैमेट्स बन गए। देख यहां इस गैमेटोफाइट से गैमेट है, इस गैमेटोफाइट से गैमेट है, इनकी फर्टिलाइजेशन करके हमने क्या बना दिया है, जाइगोट बना दिया। जाइगोट की मियोसिस करके हमने स्पोर बनाए हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये कौन सी लाइफ साइकिल है, हैप्लोंटिक। कौन सी लाइफ साइकिल है, हैप्लोंटिक, यस और नो, हैप्लोंटिक। एक्सेप्शन क्या है लिख देता हूं, एक्सेप्शन है मेरे पास स्कैल्प, एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया। ये क्या होती है जल्दी चैट में बताओ सर, ये है हैप्लोडिप्लोंटिक। और मेरे पास फ्यूकस क्या है, डिप्लोंटिक है। फ्यूकस क्या है, डिप्लोंटिक है। इनमें जाइगोट में मियोसिस नहीं होती, इनमें जाइगोट में मियोसिस नहीं होती। तो जाइगोट में मियोसिस किस में होती है, हैप्लोंटिक एल्गी में। ये लाइफ साइकिल है। तो एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, याद रहेगा, एल्गी में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट, यस 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 यस, एल्गी में मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट। बेटा जो बच्चे किसी चैट पे ध्यान दे रहे हैं, नुकसान कर रहे हो, इधर ध्यान दो, भूल जाओ उसे, तो सिर्फ अपनी चैट लिख और मेरी तरफ देख बस, ठीक है। हाँ यस, अब आ जा, रेड एल्गी मेन पॉइंट, कोई फ्लैजिला नहीं है, आइसोगेमस मोटाइल, अरे सर यूलोथ्रिक्स है, याद हो गया ये, यहां पर बता स्पाइरो वगैरह है, यहां पर बता बता बता, एनाइसोगेमस, एनाइसोगेमस यूडोरिना सर, याद हो गया ये तो, ऊगेमस, फ्यूकस, वॉल्वोक्स और रेड एल्गी, ऑल एल्गी आर हैप्लोंटिक, यस, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ये हैप्लोडिप्लोंटिक है और ये डिप्लोंटिक है। अगर आपको एल्गी में कोई डाउट है तो पूछो, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं लगभग श्योर हूं, लगभग क्यों, 100% श्योर हूं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नॉट प्रेजेंट इन एल्गी। हाँ भाई, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नॉट प्रेजेंट इन एल्गी, मान लो एक लॉजिकल क्वेश्चन करते हैं, जूस्पोर होता है, यस, फ्रेगमेंटेशन होता है, यस, बडिंग नहीं हो सकती, बडिंग किसका फीचर है, ईस्ट का, फ्यूजन जो होता है वो सिंगल सेल में क्रोमैटोमोनास में हो सकता है, ये पॉसिबल है, तो क्या नहीं हो सकती, बडिंग नहीं हो सकती, यस, क्लियर है। ये अगला क्वेश्चन करो, देखें दिख रहा है क्वेश्चन तुम्हें, क्वेश्चन दिख रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर टू करो, अगला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन नंबर वन था, क्वेश्चन नंबर वन था, टू करो जरा, क्लोरोफिल बी किसमें नहीं होगा, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफिल बी होगा, ब्रायोटेरिडो में भी क्लोरोफिल बी होता है बेटा, रेड एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल डी होता है, तो आंसर क्या आ गया सर, डी आ गया। मोटाइल मेल गैमेट, मोटाइल मेल गैमेट, ध्यान से सुन, मोटाइल मेल गैमेट किसमें नहीं होगा, रेड एल्गी दिख रहा है जिसमें फ्लैजिला नहीं होता सर, थर्ड आ गया, थर्ड आ गया, कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, जल्दी बताओ, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ये बताओ जल्दी से, अगला देख ले और देख, मोटाइल एसेक्सुअल स्टेज, इसका क्या मतलब है सर, जूस्पोर, जूस्पोर इसमें से किसमें नहीं है सर, फाइकोमाइसिटिस में होते हैं, यहां चेक कर, फाइकोमाइसिटिस में तो होते हैं, ये तो यस है, किसमें नहीं है सर, थर्ड आएगा रेड एल्गी। क्वेश्चन नंबर फोर का मेरे पास क्या आएगा, थर्ड आएगा, दिख रहा है, दिख रहा है भाई, याद आ रहा है तुझे, फाइकोमाइसिस में होते थे, अच्छा, नॉन मोटाइल ए सेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेज प्रेजेंट इन, नॉन मोटाइल ए सेक्सुअल और सेक्सुअल, देख जल्दी से, मतलब
मतलब फ्लैजिला ही नहीं है, फ्लैजिला नहीं है, ठीक है, है ना। मैं यहाँ पे चलिए डायटम की जगह कोई और एग्जांपल लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में मेल गैमेट मोटाइल होता है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका भी, थर्ड आएगा रेड। बेटा रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होता। हाँ ये बता जल्दी से, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। लेमिनेरियन स्टार्च, ये आएगा डायरेक्ट फीचर उठा के। लेमिनेरियन स्टार्च किस में होता है जल्दी बता, लेमिनेरियन स्टार्च किस में होता है जल्दी बता, लेमिनेरियन स्टार्च किस में होता है जल्दी बता बेटा, और लिख दे। ये तीनों क्या है, ब्राउन एल्गी है, और ब्राउन एल्गी में क्या होगा, लेमिनेरियन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुझे। अब आ देखिए अच्छा क्वेश्चन है, अनइक्वल साइज फ्लैजिला किसमें होगा। डायटम में तो फ्लैजिला ही नहीं होता, इसलिए इसकी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, चैट में बता भाई इसकी मूवमेंट को क्या बोलते हैं। सर प्लैंकटन, प्लैंकटोनिक मूवमेंट बोलते हैं। यूग्लिनॉइड में अनइक्वल फ्लैजिला है, कैसा है ये नहीं पता, पर इसमें साइड में है अनइक्वल है, इसलिए आंसर क्या आएगा डी, अनइक्वल और एपिकल। अनइक्वल हो और एपिकल हो, अनइक्वल हो और एपिकल हो, यूग्लिनॉइड जैसा, क्योंकि ब्राउन एल्गी में कैसा है, लेटरल है, डायटम में तो है ही नहीं, इसलिए सेकंड आ जाएगा। अनइक्वल और लेटरल सर ब्राउन एल्गी, याद हो गए भाई ये कॉन्सेप्ट, याद हो गए ये कॉन्सेप्ट, याद हो गए जल्दी बताओ। ठीक है याद हो गए जल्दी बताओ, यस। चलिए देखते हैं कुछ और है आपके लिए इसमें, देखो साइनोबैक्टीरिया में कोई फ्लैजिला नहीं होता, रेड एल्गी में कोई फ्लैजिला नहीं होता, डायटम में कोई फ्लैजिला नहीं होता, तो फाइकोमाइसिटीज में फ्लैजिला होता है, लिखा हुआ है स्पोर मोटाइल नॉन मोटाइल। एल्जिन किसमें होगा भाई, सर एल्जिन होता है ब्राउन एल्गी में, ठीक है। इसमें ब्राउन एल्गी कौन है, सर फ्यूकस है फर्स्ट, ठीक है। एनसीईआरटी कहती है कि जैसे जैसे फ्यूकोजेंथिन बढ़ता है ब्राउन एल्गी में, कलर किसमें चेंज होता है, याद करो ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन, ऑलिव ग्रीन मोर क्या होगा, ब्राउन कलर डेवलप होगा, यस मोर ब्राउन कलर डेवलप होगा। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, यस बेटा। जैसे जैसे फ्यूकोजेंथिन बढ़ता है ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की तरफ जाता है, तो ज्यादा क्या डेवलप हो रहा है, मोर ब्राउन कलर डेवलप हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिलामेंटस एल्गी, ये तीनों क्या है सर, फिलामेंटस है, देख पा रहे हो ये तीनों फिलामेंटस है। आंसर फर्स्ट आ गया वॉलवॉक्स। मेन फोटोसिंथेटिक ब्राउन एल्गी का मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट क्या है, सर फ्रॉन्ड है, थर्ड आ जाएगा। चलिए एल्गी खत्म, ब्रायोफाइट पे आ गए, चलो आ जाओ भाई आ जाओ, एल्गी खत्म ब्रायोफाइट पे आ गए। चलो ये भी कर ले, मन कर रहा है ये वाला करने का, चलो कर लो, इसका आंसर बता दो, चलो इसका आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी ब्रायोफाइट पे आ गए बेटा, जल्दी से ब्रायोफाइट पे आ गए, यस इसका आंसर बताओ बेटा। पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा रेड एल्गी है, और डाइनोफ्लैजिलेट में भी रेड पिगमेंट होता है, तो आंसर ऑल आ जाएगा। इक्वल साइज का फ्लैजिला किसमें होगा भाई, इक्वल साइज का फ्लैजिला यूग्लिनॉइड्स में तो अनइक्वल है, फ्यूकस में अनइक्वल है, वॉल्वॉक्स में फ्लैजिला होता है, हाँ जो कॉलोनी होती है ना उसमें छोटे छोटे सेल होते हैं, फ्लैजिला होता है, और क्योंकि वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी है तो उसका फ्लैजिला कैसा होगा सर, इक्वल होगा। क्या सारे क्वेश्चन ठीक है, कितने 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 ठीक थे तुम्हारे, चैट में बताओ कितने गलत हुए हैं, ये बताओ चैट में, ये बताओ बेटा चैट में बताओ कितने गलत हुए हैं, चैट में बताओ जल्दी से कितने गलत हुए, जल्दी जल्दी फास्ट 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 चैट में बताओ कितने गलत हुए। अब हम ब्रायोफाइट पे जा रहे हैं, ब्रायोफाइट पे जा रहे हैं, चैट में बताओ कितने गलत हुए तुम्हारे, सारे सही है, चलिए ठीक है बढ़िया, आ जाओ जल्दी आ जाओ ब्रायोफाइट में। ब्रायोफाइट पढ़ने से पहले मैं जो बातें बोलूंगा सुनना ध्यान से, एल्गी में स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस है, क्या ब्रायोफाइट में थैलस होता है, यस, पर उसका थैलस थोड़ा सा एडवांस होता है, मतलब उसमें कुछ स्ट्रक्चर बनता है। तो आपने क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है, मेन डोमिनेंट स्टेज गैमेटोफाइट होती है, उसमें भी थैलस होता है। ब्रायोफाइट कहां मिलता है बेटा, ब्रायोफाइट मिलता है शेडी हिली रीजन में, जहां पर थोड़ा सा मॉइस्चर हो और ह्यूमिडिटी हो। मैं रिपीट करता हूं,
ब्रायोफाइट पहले लैंड प्लांट थे जो जमीन पर आए, उनको हम प्लांट एम्फीबियन कहते हैं क्योंकि वैसे तो वो सॉइल में रहते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें क्या चाहिए, पानी की जरूरत है। ब्रायोफाइट पहले लैंड प्लांट थे जो जमीन पर आए, उनको पानी क्यों चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, उन्हें प्लांट एम्फीबियन कहते हैं। वो कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। उनकी मेन स्टेज क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है, यस और नो। वो कौन सी हैबिटेट में मिलते हैं, शेडी हैबिटेट में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, शेडी मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में मिलते हैं। प्लस ब्रायोफाइट के साथ खास चीज क्या है बेटा, ब्रायोफाइट जो होते हैं हमारे पास उनका स्ट्रक्चर भी थैलस होता है, पर थैलस एल्गी से ज्यादा एडवांस है। थैलस किससे ज्यादा एडवांस है, एल्गी से। मैं सवाल पूछूंगा, मुझे बताना, एल्गी हैप्लॉयड है, यस। ब्रायोफाइट हैप्लॉयड है, यस। एल्गी की मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट। एल्गी का हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक। ब्रायोफाइट का हैबिटेट क्या है, लैंड, जमीन पर आए हैं, यस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एल्गी को पानी चाहिए, यस। ब्रायोफाइट को भी पानी चाहिए, यस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। अब आपके सामने है बेटा, हम यहां पर लिख रहे हैं मॉइस्ट शेडी एरिया, उसके साथ में ह्यूमिड भी एड कर देता हूं, यहां तक ठीक है। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट में, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, यस, और मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी है, ठीक है। और गैमेटोफाइट होने की वजह से कैसी है, एन। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन कहते हैं क्योंकि वो मिट्टी में रहते हैं और उनको पानी चाहिए, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। चैट में मुझे यस और नो से बताओ, क्या ब्रायोफाइट में ज़ूस्पोर होते हैं, यस और नो बताओ जल्दी से। क्या ब्रायोफाइट में ज़ूस्पोर होते हैं, यस और नो, जल्दी बताओ बेटा। क्या ब्रायोफाइट में ज़ूस्पोर होते हैं, यस और नो, जल्दी बताओ। क्या ब्रायोफाइट में ज़ूस्पोर होते हैं, यस और नो, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। अब आओ जरा, अब आओ हम ब्रायोफाइट के थैलस को देखते हैं, ध्यान से देख बच्चे। ब्रायोफाइट में दो ग्रुप आते हैं, एक आता है लिवरवर्ट और एक आते हैं मॉसेस। लिवरवर्ट का थैलस ऐसा होता है, देख ध्यान से, इस तरीके का थैलस होता है जो जमीन से चिपका हुआ होता है। तो अगर मैं बात करूं लिवरवर्ट की, तो थैलस कैसा है, फ्लैट थैलस है। कैसा थैलस है सर, फ्लैट थैलस है। और वो जो थैलस है उसमें राइजॉइड्स होते हैं, जो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। राइजॉइड्स क्या होते हैं बेटा, राइजॉइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या याद रखना है, जो मैं बताऊंगा उसको याद रखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट, ब्रायोफाइट में थैलस होता है, यस। कैसा थैलस है, फ्लैट थैलस है। ब्रायोफाइट कहां मिलते हैं, जमीन पर मिलते हैं, तो क्या उन्हें पानी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, यस। उसके लिए उनके पास रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें राइजॉइड्स कहते हैं। तो ब्रायोफाइट में ट्रू सच्चे रूट स्टेम लीफ नहीं होते, रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं बेटा इनमें, इनमें क्या एब्सेंट है, ट्रू रूट स्टेम और लीफ एब्सेंट है। क्या प्रेजेंट है बताना, रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये समझ पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहां तक कोई डाउट है बताओ। तो रिपीट करते हैं, ब्रायोफाइट का ये थैलस है, फ्लैट थैलस है। इस पर ये धागे जैसे क्या है, राइजॉइड्स। कैसे होते हैं लिवरवर्ट में, लिवरवर्ट में कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, यस। ट्रू रूट स्टेम लीफ एब्सेंट है, रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देख ध्यान से देख, ये जो थैलस है, ये जो थैलस है, इस थैलस का नाम क्या है, गैमेटोफाइट, क्योंकि ये क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा, यस और नो। अब इस गैमेटोफाइट पर एक फीमेल स्ट्रक्चर बनता है जिसे आर्किगोनियम कहते हैं। ये गैमेटोफाइट है, इस पे आर्किगोनियम बनता है जो फीमेल स्ट्रक्चर है, तो इसका पूरा नाम रख देते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। आर्किगोनियम कैसी शेप का है, फ्लास्क शेप का, याद हो रहा है, आर्किगोनियम कैसी शेप का है, फ्लास्क शेप का। और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसमें एक सिंगल एक्सेल होता है। एंथ्रीडियम क्या है बेटा, मेल स्ट्रक्चर है, यस और नो। एंथ्रीडियम क्या है, मेल स्ट्रक्चर है। तो ये वाला गैमेटोफाइट क्या हो गया, मेल गैमेटोफाइट हो गया। और इस पर ये जो गैमेट बना, इसका नाम क्या है सर, एंथिरोजॉइड है। तो मेरे साथ अब याद करेंगे, जो जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा मुझे बताना है समझ में आए कि नहीं। ब्रायोफाइट में मेन स्टेज गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट पर सेक्स ऑर्गन बनते हैं। मेल गैमेटोफाइट पर एंथ्रीडियम बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट पर आर्किगोनियम बनता है, यस और नो। एंथ्रीडियम में एगसेल होता है, सॉरी एंथ्रीडियम क्या बनाता है, मेल गैमेट, जिसमें फ्लैजिला होगा।
इसीलिए फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। अगर मैं पूछूं आपसे ब्रायोफाइट में जूस्पोर होते हैं, आप कहोगे नहीं, तो फिर फ्लैजिला है कहां? उसके मेल गैमेट में फ्लैजिला है। तो इस मेल गैमेट में फ्लैजिला होता है। फीमेल स्ट्रक्चर का नाम आर्किगोनियम है, जिसमें एग सेल प्रेजेंट होता है। क्या यहां लिखी हुई सारी बातें याद हो रही हैं? क्या यहां लिखी हुई सारी बात याद हो रही है? मैंने कहा है ये मेन स्टेज है, ये हैप्लॉइड स्टेज है, इस पर गैमेट बनते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट दो तरह के हैं, आर्किगोनियम एक पर है, दूसरे पे एंथ्रीडियम है। हमारे पास अलग अलग थैलस पर आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम किस पे होता है? मार्केंशिया पे। तो लिवर वर्ट का एक एग्जाम्पल क्या है बेटा? मार्केंशिया है। यहां तक बताओ मुझे आपको याद हुआ कि नहीं, चैट में बता दो। यहां तक याद है? यहां तक याद हो रहा है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक याद हो रहा है? यहां तक याद हो रहा है? क्या ट्रू रूट स्टेम लीफ होता है? नहीं होता। रूट स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? राइजोइड्स। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछ सकता हूं, राइजोइड्स हैप्लोइड है कि डिप्लोइड? सर हैप्लोइड है, क्योंकि गैमेटोफाइट पे बन रहा है। अब आ जा, आगे आ जा। अब बात करते हैं मॉस की। देख बेटा, लिवर वर्ट ऐसे फ्लैट ग्रो करते हैं, मॉस थोड़ा सीधा ग्रो करता है, पर उसकी ज्यादा हाइट नहीं होती। मॉस के ऊपर लीफ लगी रहती है, ऐसे मॉस के ऊपर ऐसे क्या लगी रहती है? लीफ। और वो लीफ कैसी होती है? स्पाइरल लीफ होती है। यस, उस पर ऐसे ब्रांच भी बनती है। मॉस ऐसे सीधे ग्रो करते हैं, उस पर जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होते हैं। कोई डाउट है इस बात पे? बताओ। अब ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज है, इस पे गैमेट बनते हैं, इसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, और इसका एक और नाम है लीफी स्टेज। ये लीफी स्टेज कैसे बनती है? एक और हैप्लोइड स्टेज होती है जिसे प्रोटोनीमा कहते हैं। उस प्रोटोनीमा से ये बड बनती है, इस बड से लीफी स्टेज बनती है। तो आपने क्या दिमाग में रखना है? मॉस सीधा ग्रो करते हैं, मॉस पे ब्रांच होती है, मॉस पे लीफ होती है, वो स्पाइरल है। राइजोइड्स मल्टी सेलुलर है। लिवर वर्ट में राइजोइड्स यूनिसेलुलर थे। यस यस। दूसरी चीज, प्रोटोनीमा नाम का हैप्लोइड स्ट्रक्चर होता है, उसकी इस बड से ये लीफी स्टेज बनती है, क्योंकि लीफ प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम लीफी स्टेज है। क्लियर है? हम मार्केंशिया को देखते हैं, ध्यान से सुन बेटा। प्रोटोनीमा पर एक दो तीन चार बहुत सारी बड बनती है, उतने सारे लीफी स्टेज। ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। ऐसे ही जो मार्केंशिया होता है उसके ऊपर ऐसा कप शेप स्ट्रक्चर बनता है, इसे कहते हैं जामा कप, और उस पर ग्रीन कलर की बड बनती है, इन्हें कहते हैं जामा बड। तो जामा बड ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, और क्या करती है? नया गैमेटोफाइट बना लेती है। तो आपको यह समझना है कि मार्केंशिया का यह गैमेटोफाइट है। इस गैमेटोफाइट पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कप जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इसे कहते हैं जामा कप। इस पर बनती है ये जामा बड, जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक है, और ये नया गैमेटोफाइट बना सकती है। मॉसेस में प्रोटोनीमा की बड से बहुत सारे लीफी स्टेज बनते हैं, ये मॉस का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और मार्केंशिया जो लिवर वर्ट है ये उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यहां तक कोई डाउट है? पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट है? जल्दी बता दो बेटा, यहां तक कोई डाउट है? मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बताना, जामा बर्ड हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? सर गैमेटोफाइट पर बनी, हैप्लॉइड होगी। गैमेटोफाइट पर बनी है, क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। यस 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 यस, कोई दी चमकी से, बिल्कुल यस। जामा बर्ड यूनिसेलुलर है, मल्टी सर मल्टी सेलुलर, ग्रीन है, नया गैमेटोफाइट बना सकती है। मॉस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बडिंग इन प्रोटोनीमा। कैसे होगी प्रोटोनीमा में? मॉस में राइजोइड्स कैसे हैं सर? मल्टी सेलुलर। लिवर वर्ट में कैसे हैं? यूनिसेलुलर। ब्रायोफाइट कहां मिलते हैं बेटा? ब्रायोफाइट ऐसी जगह मिलते हैं जहां शेड होती है, पानी, बारिश होती है, क्योंकि गैमेट्स मूव करके जाएगा। कौन सा गैमेट? मेल गैमेट। क्या फीमेल गैमेट भी जाएगा? नहीं, वो आर्किगोनियम में होता है। यस, अब आ जाओ जरा। एनसीईआरटी कहती है कि ब्रायोफाइट की ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, ज्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। वो खाने की तरह यूज होते हैं कुछ में, कुछ बर्ड्स में और मैमल्स में। कुछ मैमल्स और बर्ड्स उसे खाते हैं। यस, पीट मॉस। पीट मॉस जिसका एक और नाम है स्फेगनम। क्या नाम है? स्फेगनम। वो यूज होता है फ्यूल की तरह से, और
पैकिंग ऑफ लिविंग मटेरियल जिसको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट। ट्रांसशिपमेंट मतलब आपने देखा है कि घर में जो मनी प्लांट उगाते हैं उसके चारों तरफ मॉस लगाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, पीट मॉस को यूज करते हैं, जो ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज होगा। उसके अलावा मॉस प्लांट सक्सेशन में आते हैं। दूसरा, एक मैट बनाते हैं, चटाई बनाते हैं सॉइल इरोजन में, तो याद कर रहे हैं। पहला, बर्ड्स और मैमल्स के लिए खाना, छोटे हर्बेशियस, हर्बेशियस मतलब घास खाने वाले, वैसे छोटे साइज के। दूसरा, प्लांट सक्सेशन। तीसरा, मैट बनाते हैं, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं। पीट मॉस क्या करता है, पीट मॉस क्या करता है, याद कर, फ्यूल की तरह यूज होता है और लिविंग चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, क्योंकि ये पानी होल्ड करता है। हो जाएगा, जल्दी बताओ, हो जाएगा, जल्दी बताओ बेटा, हो जाएगा। ठीक है, तो हमें याद हो रहा है, बिल्कुल याद हो रहा है। अब आओ, अब हम क्या करेंगे बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, लिवरवर्ट और मॉस की लाइफ साइकिल कंपेयर करेंगे। मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। लिवरवर्ट और मॉस, ये दोनों तो ब्रायोफाइट है, इन दोनों में मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट। लिवरवर्ट में थैलस है ऐसा हॉरिजॉन्टल, और मॉस में ऐसा सीधा थैलस है जिसको हम लीफी स्टेज कह रहे हैं। लिवरवर्ट में हमारे पास आर्किगोनियम एंथ्रीडियम बनेगा, ऐसा ही मॉस में बनेगा। तो एक बार दोनों की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देख के कंपेयर करते हैं और फिर उसके बारे में डिटेल लिखते हैं। क्या ठीक है यहां तक, क्या ठीक है, जल्दी बताओ बेटा, क्या यहां तक ठीक है बच्चे? लिवरवर्ट और मॉस में आप कंफ्यूज कैसे हो सकते हो? मॉस जो होता है वो सीधा ग्रो करता है, छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं। लिवरवर्ट फ्लैट होता है। लिवरवर्ट में राइजॉइड नीचे है, कैसा है, यूनिसेलुलर, अटैचमेंट में हेल्प करता है और एब्जॉर्प्शन में। मॉस में मल्टीसेलुलर राइजॉइड है, याद रहेगा। लिवरवर्ट में किस जामा कप से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है। मॉस में फ्रेगमेंटेशन भी हो सकती है, पर बडिंग इन प्रोटोनिमा होता है, प्रोटोनिमा पर बड बनते हैं। अब ये प्रोटोनिमा क्या है, ये सारी चीजें हम ध्यान से देखेंगे, बहुत स्लो स्लो बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, 5 मिनट लूंगा बस। देख, डायग्राम बना हुआ है मैंने जानबूझ के आपके लिए, आज फिर सुबह उठ के बनाया। देख, ये थैलस है, ध्यान से देखियो, ये थैलस है, इस थैलस को कह रहे हैं मेल गैमेटोफाइट। क्यों? क्योंकि इस पर ये एंथ्रीडियम है। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछूंगा, मुझे बताइयो, मेल गैमेटोफाइट एन है, ये एन है, तो एंथ्रीडियम एन होगा, क्योंकि ये सेक्स ऑर्गन है, इससे जो मेल गैमेट बना है वो एन है। वो पानी की मदद से, पानी की मदद से इसको फर्टिलाइज करता है। फीमेल गैमेटोफाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि उस पर क्या बना हुआ, आर्किगोनियम, आर्किगोनियम में एग सेल है, तो फर्टिलाइजेशन किससे हो रही है, सर पानी से हो रही है। तो आपको यह समझना है कि लिवरवर्ट में ये मेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है। यस, मेल गैमेटोफाइट पर एंथ्रीडियम है, फीमेल गैमेटोफाइट पर आर्किगोनियम है। ये जो एंथ्रोजोइड है, ये जाकर फर्टिलाइज कर रहा है इसको, तो आर्किगोनियम में क्या बन गया, ये जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा होता है सर, डिप्लॉयड होता है। ये मेरे पास फीमेल गैमेटोफाइट है। इस जाइगोट ने पिछले ग्रुप में एल्गी में जाइगोट ने क्या करी थी, मियोसिस। यहां क्या कर रहा है सर, माइटोसिस। इस जाइगोट की माइटोसिस से ये स्ट्रक्चर बना, इसे स्पोरोफाइट कहेंगे। देख, इस फीमेल गैमेटोफाइट पर ये जो स्ट्रक्चर बना, इसे स्पोरोफाइट कह रहे हैं। इसमें ये वाले पार्ट को कह रहे हैं कैप्सूल, इस वाले पार्ट को कह रहे हैं सीटा, और इस वाले पार्ट को कह रहे हैं फुट। तो ये हो गया फुट, ये सीटा, ये कैप्सूल। इसके अंदर मियोसिस हुई है, कैप्सूल के अंदर मियोसिस से बने हैं स्पोर। यस, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर गैमेटोफाइट है और इसके ऊपर स्पोरोफाइट है। अब आप मुझे बताना, आपको स्पोरोफाइट का कलर कैसा बनाया, मैंने ग्रीन बनाया क्या, ये स्पोरोफाइट ग्रीन बनाया, नहीं, ये नॉन ग्रीन बनाया। यस, ये सिंगल सेल है, नहीं, कई सारे सेल है, मल्टी सेलुलर है। यस, और ये किस पर डिपेंड है, ये स्पोरोफाइट इससे खाना ले रहा है, तो कैसा हो गया, डिपेंडेंट हो गया। कैसा हो गया, डिपेंडेंट हो गया। अब ये गैमेटोफाइट है, ये ग्रीन है, ये मेन प्लांट है, और ये फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है। यहां तक याद हो रहा है, मुझे बता, फ्री लिविंग है और कैसा है, फोटोसिंथेटिक है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, बता जल्दी से। यस, तो स्पोरोफाइट डिपेंड है गैमेटोफाइट पर, और ये जो स्पोर बने हैं ये हैप्लॉइड है। कैसे बने, मियोसिस से। स्पोर की माइटोसिस करूंगा,
तो उससे मेरे पास वापसी ये बन जाएगा। तो लिवर वर्ट याद हो रहा है? जल्दी बता बेटा, जल्दी बता, जल्दी 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 याद हो रहा है? जल्दी बता, जल्दी से बता, जल्दी जल्दी। तो मुझे क्या करना है, मेरे पास ये जाइगोट है, इस जाइगोट की ध्यान से सुन, इस जाइगोट की माइटोसिस से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में कैप्सूल, सीटा, फुट। मियोसिस कहां हो रही है? चैट में बता। कैप्सूल में हो रही है, सीटा में हो रही है, फुट में। चैट में बता जल्दी से। मियोसिस कहां हो रही है? सर कैप्सूल में हो रही है। कहां हो रही है? कैप्सूल में। तो ये लाइफ साइकिल किसकी है? लिवर वर्ट की। यस, अब इधर आ जाओ। अब देख, ये मियोसिस लीफी स्टेज है। ये कैसी होगी सर? एंड होगी। ये क्या है सर? लीफी स्टेज है। इस लीफी स्टेज पर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम बना है। जैसे मान ले तेरे पास ये ब्रांच है ना, ये ब्रांच है, देखिए ब्रांच है इसका, ये जो एपेक्स है ना, एपेक्स, इस पर एंथ्रीडियम बनेगा, इस वाले टिप पर यहां पर आर्किगोनियम बना। तो लीफी स्टेज खुद एन है, उस पर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम बन गया। मेल स्ट्रक्चर, फीमेल स्ट्रक्चर। इस मेल स्ट्रक्चर ने बनाया ये मेल गैमेट। क्या नाम रखूं इसका बता जल्दी से? सर एंथ्रोजॉइड। इसने इसको फर्टिलाइज करा, ठीक है। तो लीफी स्टेज पे क्या बन गया? जाइगोट। इस जाइगोट की क्या हो गई? माइटोसिस। देख, आर्किगोनियम है ना, आर्किगोनियम में क्या बन गया? जाइगोट। उस जाइगोट की माइटोसिस से ये क्या बना है बेटा? ये स्पोरोफाइट बना है। क्या बना है? ये स्पोरोफाइट बना है। अब तुझे मैं जो डिफरेंस बताऊंगा वो देख। यहां पर ये क्या बन गए? ये बन गए स्पोर। किसमें मियोसिस हो रही है? इस कैप्सूल में। ये कैप्सूल है, ये क्या है? कैप्सूल। पहला डिफरेंस सुन, पहला डिफरेंस, ये स्पोरोफाइट छोटा है, ये बड़ा है। इसको कहेंगे मोर इलैबोरेट है मॉस। मॉस में क्या है? मोर इलैबोरेट है, यस। दूसरी बात, यहां पर जो स्पोर है उसने डायरेक्टली गैमेटोफाइट बनाया। स्पोर ने माइटोसिस करके गैमेटोफाइट बनाया। यहां पर स्पोर ने पहले एक स्टेज बनाई है प्रोटोनीमा, जो खुद से हैप्लॉइड है, जो खुद से कैसी है? फिलामेंटस ग्रीन स्टेज है। फिलामेंटस ग्रीन स्टेज है जिसको हम प्रोटोनीमा कह रहे हैं। इस प्रोटोनीमा पर ये बड बनी है, इसको एनसीईआरटी लिखती है लेटरल बड, और इस लेटरल बड से मैंने लीफी स्टेज बनाई है। लेटरल बड की माइटोसिस से क्या हुआ है? माइटोसिस से ये लीफी स्टेज बनी है। तो एनसीईआरटी कहती है कि लिवर वर्ट में स्पोर से डायरेक्टली क्या बनता है? गैमेटोफाइट। मॉस में स्पोर से पहले प्रोटोनीमा बनता है, फिर उस पर बड आती है, फिर लीफी स्टेज बनती है। क्या यह समझ में आ रहा है? क्या यह समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा, क्या यह समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, क्या यह समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, क्या यह समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो आपके दिमाग में यह डिफरेंस बैठे कि नहीं, पहले बताओ। सबसे पहले लिवर वर्ट में मेन थैलस फ्लैट है, इसमें थोड़ा सा मॉस में क्या है? लीफी स्टेज है। इसका राइजोइड्स कैसा है सर? यूनिसेलुलर। इसका राइजोइड्स कैसा है सर? मल्टीसेलुलर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर वर्ट में, फ्रेगमेंटेशन प्लस जामा बड, जामा कप। इसमें बता, इसमें बता, इसमें सर बडिंग इन प्रोटोनीमा, बडिंग इन प्रोटोनीमा। और बता, और याद कर सर, फ्रेगमेंटेशन भी होती है, याद आ रहा है? यहां देख, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट लेस इलैबोरेट, ज्यादा बड़ा नहीं था, यहां पर मोर इलैबोरेट। इसी के अंदर क्वेश्चन आएगा सारे। स्पोर गिव गैमेटोफाइट डायरेक्टली। स्पोर क्या देगा? गैमेटोफाइट देगा डायरेक्टली। यहां पर क्या देगा? फर्स्ट प्रोटोनीमा, फिर प्रोटोनीमा से बड, बड से लीफी स्टेज। यस और नो? स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म नॉर्मल है, इसमें स्पेशल होता है। स्पोर डिस्पर्सल का मतलब समझ, ये जो कैप्सूल है इसमें से जो स्पोर बनेंगे वो स्पेशल तरीके से बाहर निकलते हैं। एनसीईआरटी कहती है स्पेशल स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म मॉसेस में होता है। यस, एग्जाम्पल इसका एक ही याद करना है, मार्केंशिया, रिक्सिया लिखवाते हैं लोग, नहीं करना। इसमें तीन, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम। स्फेग्नम इसे पीट मॉस कहते हैं, ठीक है? बोर्ड पे ध्यान रखेंगे जल्दी से। चलो भाई जल्दी ध्यान रखो बोर्ड पे।
जल्दी जल्दी बोर्ड पे ध्यान रखो पूरा पूरा, फिर से देख, मेल फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग, मार्केंशिया, फीमेल गेमेटोफाइट के जाइगोट, जाइगोट से फुटसीटा कैप्सूल, स्पोरोफाइट, नॉन ग्रीन मल्टीसेलुलर डिपेंडेंट, ये इससे खाना ले रहा है, गेमेटोफाइट ग्रीन मेन प्लांट फ्री लिविंग है, इससे क्या बने हैं सर, स्पोर बने हैं, स्पोर की माइटोसिस से क्या बना है? ये बना, यस, लीफी स्टेज, लीफी स्टेज पे एंथ्रीडियम आर्किगोनियम, ठीक है, आर्किगोनियम पे जाइगोट बना, जाइगोट ने बना दिया, इसका स्पोरोफाइट छोटा, इसका मोर इलाबोरेट है, स्पोर डिस्पर्स करने के स्पेशल मैकेनिज्म है, स्पोर डायरेक्टली, जैसे यहां स्पोर डायरेक्टली गेमेटोफाइट देता है, स्पोर पहले प्रोटोनिमा बनाएगा, उस पर लेटरल बेड बनेगी, उससे लीफी स्टेज, याद करो जल्दी से, जल्दी जल्दी याद करो, जल्दी याद करो, जल्दी याद करो बेटा, जल्दी टेरिडोफाइट बनेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे पहले ब्रायोफाइट के, जल्दी याद करो, जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट, आगे आ जा। अब देख मैं तेरे को क्लियर क्लियर बता देता हूं, मैं ब्रायोफाइट की अगर तेरे को लाइफ साइकिल की बात करूं, इधर ध्यान दे, ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल की बात करूं, गैमेटोफाइट स्टेज मेन प्लांट है, इसीलिए मेन प्लांट हैप्लॉइड है, जो ग्रीन है फोटोसिंथेटिक है, यह भी मल्टीसेलुलर है, एल्गी में सिंगल सेल था, ये मल्टीसेलुलर है पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है तो क्या है, नॉन ग्रीन है। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी बेटा, एल्गी में स्पोरोफाइट सिंगल सेल था, इसलिए लाइफ साइकिल हैप्लोन्टिक थी, लाइफ साइकिल क्या थी, हैप्लोन्टिक थी। ब्रायो और टेरिडो में, ब्रायो और टेरिडो में जो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों में काफी सेल्स होते हैं, गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में क्या होते हैं बेटा, काफी सारे सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, काफी सेल्स होते हैं, इसलिए उनको हैप्लोडिप्लोन्टिक बोल रहे हैं, याद हो जाएगी ये बात, इसलिए उनको अपने क्या बोल रहे हैं, हैप्लोडिप्लोन्टिक। तो इसकी लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोन्टिक क्यों है, कि स्पोरोफाइट स्टेज सिंगल सेल नहीं है, मल्टी सेलुलर है, काफी सारे सेल्स हैं, क्लियर है भाई, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आओ सवाल के जवाब दो, इन सवालों के जवाब दो। लिवरवर्ट अटैच टू सबस्ट्रेटम बाई, चल भाई शुरू हो जा, क्वेश्चन 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 जल्दी, फिर जल्दी से बराबर से टेरिडोफाइट पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि राइजोइड से अटैच होते हैं ये मॉस में, जीभ कट गई, ये ठीक है, सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी सेलुलर एंड डिप्लॉइड, देख बच्चा मल्टी सेलुलर और डिप्लॉइड, प्रोटोनिमा हैप्लॉइड होता है, राइजोइड्स हैप्लॉइड होते हैं, आर्किगोनियम हैप्लॉइड है, तो तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये बेटा एस्कोमाइसिटीज में आता है, डिप्लॉइड है, क्वेश्चन अच्छा है पर प्लांट किंगडम से हल्का लग गया, ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है, गेमेटोफाइट पे होते हैं, जो भी चीजें गेमेटोफाइट पर डेवलप करेंगी कैसी होंगी सर, हैप्लॉइड होंगी, शानदार क्वेश्चन, हाँ ये मेरे क्वेश्चन है बेटा, ये वाले मेरे क्वेश्चन है, यस हाँ, ये वो क्वेश्चन है जो लोग कहते हैं कि सर आपने आके पढ़ाना सीखा होगा, नहीं बच्चे ये वो क्वेश्चन है जो मैंने शायद 2016 में खुद से टाइप करके बनाया, हाँ मैं देता नहीं इनको क्योंकि बच्चे रोते हैं इनको करके, सर गिरता जा रहा है बेटा पढ़ाई का, क्योंकि पेपर आसान आ रहा है ना, पॉलीसाइफोनिया में रॉन्गली मैच बताना है, चलो करो चलो करो, ये तो अभी एल्गी का है, पॉलीसाइफोनिया फाइको इरिथ्रिन सही है, कैल्प प्रोफ्यूजली ब्रांच फ्यूकस डिप्लोन्टिक वॉल्वक्स, डी आंसर है, सबको दिख गया होगा डी है, जू स्पोर ऑफ ब्राउन एल्गी, लेटरल फ्लैजिला है क्या, हाँ है, अनइक्वल है, यस लेटरल है, सही है, मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन बैक्टीरिया में होता है, फ्लैजिलिन किसमें होता है, बैक्टीरिया में, ये क्वेश्चन कुछ को तकलीफ देते हैं, ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये मुझे अच्छा लगा था, 29 लिखा हुआ इस पे, बता भाई, यस यस बच्चे, मैं आपको बताता हूं, जब हम आए थे तो जड़ों में थे ना, जड़ों में बिल्कुल रूट्स में थे सिस्टम के, क्योंकि उस वक्त तो कोई टीचर ही नहीं था जो खुद से क्वेश्चन, मेरे खुद के क्वेश्चन है पहले बैचेस में तो सारे, हाँ ठीक है चलो कोई नहीं,
फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ। कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? ऑल में आएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना, स्टार्च, लेमिनेरियन स्टार्च, मैनिटोल, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। यस 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 यस, चलो आओ चलो, ठीक है, यस आ जाओ, सिलेक्शन ले आओ यार। ये तो हो गया था मेरे ख्याल से, ये वाला हो गया। अच्छा देखो, चलो कर लेते हैं, ये तो कर लिया तुमने। ब्रायोफाइट अटैच टू राइजोइड्स, वैसा ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड? राइजोइड्स यूनि है, यस। अच्छा मल्टी सेलुलर, अगर यहां पे लिखा होता मॉस का राइजोइड तो हो जाता, यस हो जाता ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, मल्टी है और हैप्लॉइड है, तो मुझे आंसर फोर्थ लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो राइजोइड लिखा नहीं, ये मॉस वाला है। जाइगोट इन ब्रायोफाइट, बता भाई जाइगोट का ब्रायोफाइट का क्या गलत है? माइटोसिस करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, सही है, ठीक है, डिप्लॉइड होता है, अंडरगो माइटोसिस, फ्लैजिला नहीं होता, थर्ड आएगा, ठीक है, माइटोसिस करेगा, डिप्लॉइड होगा, उसी को एम्ब्रियो कहते हैं। फिर चलें देखें एक और, देखें, चलो ये करो, ये वाला छोड़ दो। अच्छा हैप्लॉइड स्पोर गैमेट, देखिए गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट, अच्छा स्पोर से गैमेटोफाइट कैसे बनता है? माइटोसिस से, यस ये बोल रहा है, एक्चुअल में लैंग्वेज की फर्क है। विच इज रॉन्ग अबाउट जामा बर्ड? जामा बर्ड हैप्लॉइड है, यस सर, मल्टी सेलुलर है, यस सर, यस, फोटोसिंथेटिक है, यस सर, पर ये सेक्सुअल बर्ड है क्या? नहीं सर, ए सेक्सुअल बर्ड है, ये क्या है, ए सेक्सुअल बर्ड। लीफी स्टेज हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है, अटैच थ्रू यूनिसेलुलर राइजोइड, गलत है ये, गलत है ना। अच्छा लीफ स्पाइरल है, ये सही है, क्या आएगा, सेकंड आएगा, हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है, सही है, आ जा, चलो भाई टेरिडोफाइट पे चलते हैं, चलो ये देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट, इंडिपेंडेंट मतलब होता है फ्री लिविंग। अच्छा मैंने यहां रिक्सिया लिख दिया, रिक्सिया हटा के यहां पे स्पैग्नम लिख दो भाई। किसमें हमारे पास फ्री लिविंग स्पोरोफाइट है? नन, फोर्थ आएगा, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट है। ये वाली लाइन चेक करो, एंथ्रीडियम आर्किगोनियम मॉस में कहां डेवलप होता है? एपेक्स ऑफ लीफी शूट, चेक कर एनसीईआरटी, चेक कर। लास्ट क्वेश्चन बता, लास्ट क्वेश्चन बता बेटा, लास्ट क्वेश्चन बता, अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बता, लास्ट क्वेश्चन बता जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोल ऑफ मॉस? फ्यूल की तरह काम करता है, प्लांट सक्सेशन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, फाइकोकोलॉइड एल्गी से रिलेटेड है, फोर्थ आएगा, डी आएगा, डी फोर्थ, यस 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 यस, फोर्थ आ रहा है। चलिए भाई टेरिडोफाइट में घुस जाते हैं, आइए आओ भाई टेरिडोफाइट पे आ गए। अब मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात सुनेगा तेरे को ज्यादा समझ में आएगी। एल्गी पानी में थी, ब्रायोफाइट लैंड पर आ गए, ब्रायोफाइट पहले लैंड पर आए हुए प्लांट थे, उन्होंने क्या नहीं डेवलप किया, उन्होंने वास्कुलर बंडल डेवलप नहीं किया, उनमें प्रॉपरली रूट स्टेम लीफ नहीं था, उनमें स्ट्रक्चर कैसा था, थैलस था, जिनके अंदर भी थैलस होता है उनमें फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, तो एल्गी और ब्रायोफाइट में फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। मान लो मैं नीट में क्वेश्चन दे दूं, विच इज द कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी एंड ब्रायोफाइट, उसमें फ्रेगमेंटेशन, जूस्पोर, बोथ, सर फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि ब्रायोफाइट में क्या नहीं होगी, जूस्पोर नहीं बनेंगे, लॉजिक क्लियर है, यस सर। अब हम ये कह रहे हैं कि टेरिडोफाइट बेटा था, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट के बाद आए, और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उनकी जो मेन स्टेज थी वो स्पोरोफाइट थी। मतलब क्या हुआ, उनमें भी दो स्टेज थी, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, उनकी जो स्पोरोफाइट स्टेज थी ना वो मेन प्लांट बन गई। मेन प्लांट बनने का मतलब क्या है कि वो हरे कलर की हो गई। एल्गी और ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट स्टेज हरे कलर की थी, टेरिडोफाइट में जो मेरे पास स्पोरोफाइट स्टेज है वो मेन प्लांट में डेवलप हो गई, क्लियर है, और उस स्पोरोफाइट स्टेज ने वास्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम डेवलप किए। मुझे चैट में बताओ एल्गी में मियोसिस कहां हुई थी, एल्गी में मियोसिस कहां हुई थी? सर जाइगोट में, यस और नो? यस सर। ब्रायोफाइट में मियोसिस कहां हुई थी? ब्रायोफाइट में कहां हुई थी? कैप्सूल में। तो टेरिडोफाइट में कहां होगी?
टेरिडोफाइट में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बने जिनका नाम था स्पोरेंजिया। तो ये आपके पास गैमेटोफाइट है, ये स्पोरोफाइट है। एल्गी और ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट मेन प्लांट था, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट स्पोरोफाइट है। इस स्पोरोफाइट पर एक स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसका नाम स्पोरेंजिया है, जिसमें मियोसिस होगी। क्लियर है? ये पहले प्लांट थे जिन्होंने क्या डेवलप किया, क्या डेवलप किया, क्या डेवलप किया, वास्कुलर बंडल। जैसे मैं ये कहता हूं कि यार मान लो, मैं एक कह देता हूं कि यार एनिमल्स में ना, मैमल्स में मान लो मैंने कह दिया काऊ एक मेन मेंबर है, ठीक है, यस ऐसा बोल दिया, बफेलो मेन मेंबर है। ऐसे ही टेरिडोफाइट में दो मेन मेंबर हैं, एक है फर्न, फर्न और दूसरे हैं हॉर्स टेल। लिख देते हैं, आप स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। तो टेरिडोफाइट के जो मेन मेंबर हैं, एक आते हैं फर्न और दूसरे आते हैं हॉर्स टेल। हॉर्स टेल एक और नाम है इक्विसीटम का। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा हम ये कह रहे हैं बेटा, दूसरा हम ये कह रहे हैं कि सॉइल बाइंडर और ऑर्नामेंटल, ये कैसे यूज हो सकते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, उनको घर में सजाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये कूल डैम्प प्लेस और कुछ जगह पे एनसीईआरटी लिखती है सैंडी सॉइल में भी मिलते हैं। अब मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, मुझे बताओ ये पॉइंट अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन बनेगा। डोमिनेंट स्टेज क्या लिखूं, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट? सर स्पोरोफाइट मेन प्लांट स्टेज है, इसमें क्या गैमेटोफाइट होता है, पर मेन प्लांट स्टेज स्पोरोफाइट है। तो अगर स्पोरोफाइट मेन प्लांट है तो इन्हें कौन सा प्लांट कहेंगे? सर इनको हम डिप्लॉइड प्लांट कहेंगे। यस, क्या वास्कुलर बंडल बने? यस, फर्स्ट टाइम। वास्कुलर बंडल का मतलब पहली बार जाइलम फ्लोएम बने। स्पोर्स बनते हैं, हां किधर बनते हैं? इनसाइड स्पोरेंजिया, इनसाइड स्पोरेंजिया। तो वास्कुलर बंडल बनने की वजह से स्टेम फर्स्ट टाइम ट्रू थी, रूट फर्स्ट टाइम ट्रू थी, और जो लीफ थी ना इनके अंदर वो दो तरह की दिख रही थी। जैसे एक लीफ ये है, ये पूरी एक लीफ है, इसको हमने बोला मैक्रोफिल। मैक्रोफिल का मतलब होता है बड़ी लीफ। तो मैक्रोफिल मिली मुझे किसमें? फर्न में। यस, और ये मेरे पास एक प्लांट है जिसका नाम स्लेजिनेला है, इसमें छोटी छोटी लीफ है, उसको हमने नाम दिया माइक्रोफिल। तो लीफ को हम कहते हैं फिल, बड़ी लीफ मैक्रोफिल, छोटी लीफ माइक्रोफिल, और माइक्रोफिल किसमें मिली? स्लेजिनेला में। यस, तो मेरे पास ये लीफ है, ये स्टेम है, ये रूट है, मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है ये किसका दे रखा है? सर स्पोरोफाइट का दे रखा है। क्लियर है? इनके मेन मेंबर फर्न और हॉर्सटेल है। तो टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, ये डिप्लॉइड प्लांट है, पहली बार वास्कुलर बंडल आए। इनमें स्पोर्स कहां बनते हैं? स्पोरेंजिया में। ब्रायोफाइट में कहां बनते थे? कैप्सूल में। एल्गी में कहां बनते थे? जाइगोट में। कोई डाउट है? कोई डाउट है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कोई डाउट है? नहीं, आगे चलेंगे। अब जरा कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, आपको यह समझाते हैं कि स्पोर बनेंगे कहां पे। मैं अगर आपको क्वेश्चन दे दूं नीट में तो देखें आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। टेरिडोफाइट डेवलप स्पोर इनटू ए रूट, बी स्टेम, सी लीफ और डी ऑल। तो आप कहोगे लीफ, क्या नॉर्मल लीफ? नहीं सर, लीफ में भी स्पेशल टाइप की लीफ, और उस लीफ का नाम क्या था? उस लीफ का नाम क्या था? सर स्पोरोफिल था। क्या नाम था? स्पोरोफिल था। सही है बेटा, लीफ का नाम क्या था? सर स्पोरोफिल था। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरे पास ये एक स्पेशल लीफ है, इसका नाम क्या है? स्पोरोफिल है। एक ऐसी लीफ जिस पर क्या लगा रहेगा? स्पोरेंजिया लगा रहेगा। यस और नो? स्पोरेंजिया लगा रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो ये फर्न का स्ट्रक्चर है, इस फर्न पर ये नॉर्मल लीफ है। यस और नो? ये एक स्पेशल लीफ है, ये वाली एक स्पेशल लीफ है, ये वाली। इस स्पेशल लीफ का नाम क्या है? स्पोरोफिल। इस पर ये गोल गोल स्ट्रक्चर लगे, इनका नाम क्या है? स्पोरेंजिया। इनसाइड स्पोरेंजिया स्पोर बनेंगे। कोई डाउट यहां पर? सोच लो। अब हमने ये देखा बेटा, हमने देखा कि यार ये जो स्पोरेंजिया है ना, ये दो तरीके से लगते हैं। एक तो लीफ पर डायरेक्ट लग जाए ऐसे,
दूसरा क्या होता है वो किसकी फॉर्म में होते हैं, कोन, या उसको बोलते हैं स्ट्रोबाइलस। तो यार कोन क्या होती है, एक ऐसी स्पेशल ब्रांच, देख जा रहे, एक ऐसी स्पेशल ब्रांच जिस पर काफी सारी स्पोरोफिल लगी हो और बहुत सारे स्पोरेंजिया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोन या स्ट्रोबाइलस बोलते हैं। तो हम यहां पर यह कह रहे हैं कि स्पोरेंजिया दो तरीके से लग सकता है, एक तो रेंडमली लीफ पर ऐसे प्रेजेंट हो ऐसे, दूसरा वो कैसे लग सकता है कि वो एक स्पेशल ब्रांच है, स्पेशल ब्रांच पर काफी सारी स्पोरोफिल है और उस पर स्पोरेंजिया है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज कोन, कोन पहले तो ये बताओ किस पर प्रेजेंट है, सर मेन प्लांट पर है, तो कोन डिप्लॉइड होगा क्योंकि स्पोरोफाइट पर है। कोन है क्या, एक ऐसी ब्रांच है जिस पर काफी सारे स्पोरोफिल है और उस पर क्या लगा है, स्पोरेंजिया लगा है, क्योंकि स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट है जल्दी बताओ, लैग नहीं हो रहा, जल्दी बताओ बच्चे, कोई डाउट है बेटा, बफर नहीं हो रहा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट 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 फास्ट, कोई डाउट है किसी को, किसी को कोई डाउट है मेरे साथ बोलो, माइक्रोफिल किसमें होगा, स्लेजिनेला में, मैक्रोफिल किसमें होगा, फर्न में, कोन किसमें होता है, स्लेजिनेला और इक्विसिटम में। अगर मैं बोलूं कोन किसमें होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, स्लेजिनेला में भी होता है और इक्विसिटम में भी होता है। इक्विसिटम का एक और नाम क्या है, हॉर्सटेल, हॉर्सटेल। तो जरा इस चीज को क्लियर करते हैं, टेरिडोफाइट डिप्लॉइड प्लांट है, डिस्ट्रीब्यूशन टेरिडोफाइट का लिमिटेड है। कोई चीज लिमिटेड क्यों मिलती है, जैसे मैं कहता हूं ये एनिमल यहां नहीं मिलता क्योंकि रह नहीं पाता, तो टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें भी पानी चाहिए। और प्रोथैलस जो है हमारे पास, प्रोथैलस को क्या चाहिए, शेड चाहिए, शेड, प्रोथैलस क्या होता भी देखेंगे। स्पोर कहां प्रोड्यूस होगा, स्पोरेंजिया के अंदर, और कैसे बनता है स्पोर, सर मियोसिस से बनेगा, ठीक है, स्पोर एन प्रोड्यूस बाय मियोसिस, कैसे बन रहा है, मियोसिस। अब मुझे दो तरह की टेरिडोफाइट समझाने हैं आपको, एक होमोस्पोरस और एक हेट्रोस्पोरस। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या टेरिडोफाइट में माइटोसिस से स्पोर बन सकते, नहीं बच्चे, माइटोसिस से कैसे बनेंगे, क्योंकि यहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर तो होते नहीं है, यस, तो स्पोर मियोसिस से बनेंगे और किसके अंदर बनेंगे, स्पोरेंजिया के अंदर। कोई डाउट जल्दी बताओ बेटा, कोई डाउट है, कोई डाउट, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ, आपने ये याद करा जल्दी बताओ बेटा, ये याद कर लिया, ये स्लाइड एक बार देख लो, ये वाली स्लाइड देख लो, ये वाली स्लाइड देख लो जल्दी से, टेरिडो के बाद जिम्नो बता के खत्म करेंगे चैप्टर, यस, जिम्नो बता के खत्म करेंगे जल्दी से चैप्टर, अब आ जाओ। अब मैं आपको दो तरह के टेरिडोफाइट बता रहा हूं, एक होमोस्पोरस और एक हेट्रोस्पोरस, लाइफ साइकिल देख लो ध्यान से ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सबसे पहले मेरे साथ बोलना, बताना, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट क्या था, गैमेटोफाइट, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट क्या है, स्पोरोफाइट। तो ये मेरे पास क्या दे रखा है, स्पोरोफाइट दे रखा है। अगर ये स्पोरोफाइट दे रखा है, ये स्पोरोफाइट दे रखा, तो ये क्या होगा, सर डिप्लॉइड होगा। इस स्पोरोफाइट ने के ऊपर क्या बना, स्पोरेंजिया, यस सही है, स्पोरेंजिया खुद क्या है, डिप्लॉइड है। अब उस स्पोरेंजिया के अंदर क्या हो गई, मियोसिस, मियोसिस से क्या बन गए, स्पोर। ये सारे स्पोर सेम साइज के, छोटे बड़े नहीं सब बोल सकते, सेम साइज के हैं, सेम साइज के हैं, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, होमोस्पोरस बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मोस्ट टेरिडोफाइट जो सेक्सुअल स्पोर, मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल स्पोर या एसेक्सुअल स्पोर, सर सेक्सुअल स्पोर। मोस्ट टेरिडोफाइट सेक्सुअल स्पोर जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, सर वो सेम साइज के बनाते हैं, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोरस बोलते हैं। तो हमारे पास ये जो स्पोर बना, ये जो एम लिखा मैंने यहां पर, ये स्पोर बना, ये सारे सेम साइज के हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, सुनना ध्यान से, स्पोर अलग अलग साइज का बनाने से होगा क्या, अगर मैं बड़ा स्पोर बनाऊंगा तो उससे बनता है फीमेल गैमेटोफाइट, छोटे स्पोर से बनता है मेल गैमेटोफाइट। यहां पर सेम साइज के स्पोर बनने से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट रेंडमली बनता है। दूसरी बात क्या है, टेरिडोफाइट में क्या होगा, जो स्पोर आपके पास, ये हैप्लॉइड स्पोर बने हैं मियोसिस से, इनकी माइटोसिस करके
हम एक गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये क्या बनाओगे बेटा? स्पोर की माइटोसिस करके आप क्या बनाओगे? गैमेटोफाइट। इसका नाम प्रोथैलस है। प्रोथैलस कैसा होता है सर? हरा होता है। हरा होगा तो फ्री लिविंग होगा, यस। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है। शॉर्ट लिव्ड मतलब कम समय के लिए जिंदा रहेगा। इसको शेड की जरूरत होती है और इतना छोटा होता है कि आंख से नहीं दिखता। इन कॉन्स्पिकुअस कहते हैं। दिमाग में बिठाओ। तो आपको यह समझना है कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों स्टेज ग्रीन और फोटोसिंथेटिक है, पर प्लांट डिप्लॉइड क्यों है? क्योंकि मेन स्टेज स्पोरोफाइट है, यह ज्यादा समय जिंदा रहती है। ये गैमेटोफाइट स्टेज को हम प्रोथैलस कह रहे हैं, जो हरी तो है पर बहुत छोटी और शॉर्ट लिव्ड है। इसी के ऊपर आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम बन गया। एंथ्रीडियम ने मान लो इसको फर्टिलाइज कर दिया और जाइगोट बन गया। अब जाइगोट कैसा है सर? 2n है। इस जाइगोट की माइटोसिस से आप चाहो तो एम्ब्रियो बना लो, समलिंग बनता है, और इस एम्ब्रियो की माइटोसिस से आपने स्पोरोफाइट बना लिया। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था, टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट मेन प्लांट है। टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट स्टेज का नाम प्रोथैलस है, जो डिपेंड नहीं होती, कैसी है, फ्री लिविंग है। मोस्ट टेरिडोफाइट क्या होते हैं? होमोस्पोरस। मोस्ट टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब स्पोरेंजिया में बनने वाले स्पोर उनका आकार सेम होगा। वो डिसाइड नहीं करेंगे कि उन्हें मेल गैमेटोफाइट बनाना है कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है। क्या यह चीज समझ में आ रही है? क्या यह चीज समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा। यस। आपको क्वेश्चन आएगा नीट में कि एक ऐसा ग्रुप बताओ जिसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों स्टेज फ्री लिविंग है। आप कहोगे टेरिडोफाइट। बट व्हाई टेरिडोफाइट इज डिप्लॉयड प्लांट? क्योंकि यह वाली स्टेज ज्यादा समय के लिए जिंदा है। आ रही है बात समझ? यस 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 यस। तो डोमिनेंट स्टेज सर्जी स्पोरोफाइट है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्लांट है ये। क्यों? क्योंकि ये भी मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर है, पर मेन प्लांट स्पोरोफाइट है। प्रोथैलस शॉर्ट लिव्ड है पर फ्री लिविंग होता है। यस। होमोस्पोरस है क्योंकि सारे स्पोर सेम साइज के हैं। स्पोर डिसाइड नहीं करता, स्पोर नॉट डिसाइड कि उसको मेल गैमेटोफाइट बनाना है कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है, और फीमेल गैमेटोफाइट। यस और नो? यस और नो? हां सर, बिल्कुल ठीक है। कहानी आगे बढ़ाते हैं, हेट्रोस्पोरस पे लाते हैं। आपके सिलेबस में दो हेट्रोस्पोरस के एग्जांपल दे रखे हैं। सर हमारी कोचिंग में पांच पढ़ाए थे, मत कर, मना किया मैंने, मत कर, पांच हम भी लिखवाते थे, तुझे दो याद करने। साल्विनिया सेलेजिनेला। मोस्ट टेरिडोफाइट आर हेट्रो होमोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस में दो एग्जांपल हैं, साल्विनिया सेलेजिनेला। साल्विनिया फर्म में आता है, सेलेजिनेला नहीं आता। सेलेजिनेला इधर देख बेटा, सेलेजिनेला जो है उसमें मेरे पास एक कोन होता है ऐसे, उस कोन पर छोटा स्पोरेंजिया भी होता है और ये बड़ा स्पोरेंजिया भी होता है। देख ले बेटा, छोटा और बड़ा दो तरह के स्पोरेंजिया है, छोटा स्पोरेंजिया और बड़ा स्पोरेंजिया। छोटे स्पोरेंजिया से ये छोटा स्पोर बनता है जिसको अपने माइक्रोस्पोर कह रहे हैं। कैसे? मियोसिस से। तो मियोसिस से ये छोटे स्पोर बन गए, बड़े स्पोरेंजिया से, मियोसिस से ये लार्ज स्पोर बन गए। ये कैसे स्पोर बन गए? लार्ज स्पोर बन गए। तो वाई इट इज हेट्रोस्पोरस? क्योंकि दो अलग अलग साइज के स्पोरेंजिया हैं और दो अलग अलग साइज के स्पोर हो रहे हैं। इससे पिछले वाले में ये सारे स्पोर सेम साइज के थे, एल्गी में भी, ब्रायोफाइट में भी सेम साइज के थे। अब क्या बेटा, ये जो छोटा स्पोर है ये बनाएगा मेल गैमेटोफाइट। यहां पर जरा ध्यान दे बेटा, यहां पर स्पोर डिसाइड नहीं करता था कि मेल गैमेटोफाइट बनाना है कि फीमेल। स्पोर डिसाइड नहीं करता था कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनाना है। यहां पर स्पोर डिसाइड करेगा कि मेल गैमेटोफाइट बनाना है और ये वाला स्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। पर कहानी में ट्विस्ट है, आप देखो ध्यान से। ये स्पोर जो है ये स्पोरेंजिया से बाहर आ जाते थे। स्पोर स्पोरेंजिया से बाहर आकर ये जो प्रोथैलस बनाते थे वो कैसा होता था? फ्री लिविंग।
होमोस्पोरस में स्पोर बाहर आकर जो प्रोथेलस बनाते थे वो फ्री लिविंग होता था, यहां पर जो माइक्रोस्पोर्स प्रोथेलस बनाएंगे ये फ्री लिविंग होगा, ये वाला क्या होगा फ्री लिविंग। लेकिन जो मेगा स्पोर बड़े वाले स्पोर प्रोथेलस बनाएंगे जिसे फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे वो डिपेंडेंट होगा, मतलब वो स्पोरेंजिया के अंदर होगा। तो आपने ये समझना है कि ये जो बड़ा स्पोरेंजिया है इसके अंदर जो ये लार्ज स्पोर बना, ये लार्ज स्पोर ने जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाया वो डिपेंडेंट है। इस वजह से ये जो आर्किगोनियम बना उसमें जाइगोट भी अंदर ही बन जाएगा। ये क्या है बेटा? स्पोरेंजिया है। ये क्या है? लार्ज स्पोरेंजिया है। तो आपको ये समझना है कि पहली बार फीमेल गैमेटोफाइट इस स्पोरेंजिया पर डिपेंडेंट हुआ, पहली बार गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड हुआ। और एनसीईआरटी लिखती है वेरिएबल, ये बाद में बाहर आ जाता है और फिर क्या बना देगा? स्पोरोफाइट बना देगा। तो हेटरोस्पोरस में दिमाग में क्या बिठाना है कि स्मॉल स्पोर फ्री लिविंग क्या बनाएगा? प्रोथेलस बना सकता है, यस और नो? लार्ज स्पोर क्या बनाएगा? डिपेंडेंट फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट कैसा बनाएगा? डिपेंडेंट बनाएगा, और वो भी कैसे? वेरिएबल पीरियड के लिए। ये एक तरीके से तैयारी है सीड बनाने की। क्या है बेटा? तैयारी है सीड बनाने की। समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, मैं अपने सारा एक्सपीरियंस लगा रहा हूं आपके साथ सिर्फ इसलिए ताकि आपका कुछ समय बचा सकूं। ठीक है, तो दो चीजें बोलूंगा, फालतू की रील्स और फालतू की कमेंट्स में मत ध्यान देना, ये आपके लिए नहीं बनी है। ठीक है, हाँ ठीक है, कभी मन करे सर को वैसे मैसेज देके गाली कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने को डिस्टर्ब नहीं करना। इधर ध्यान दियो जो बताऊंगा। देख, बहुत ध्यान से सुनियो, पहली बार फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड हुआ स्पोरोफाइट में, और एसी नहीं चल रहा है, एसी मतलब ठंडा नहीं कर रहा है ना? ठीक है, अब तू समझ सकता है, रूम क्लोज है। हाँ ठीक, देख, पहली बार फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड हुआ है किस पे? स्पोरोफाइट पे। तो तुझे याद क्या रखना है? पेरिटोफाइट एक ऐसे प्लांट है जिसमें गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। दोनों क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं। गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों क्या होते हैं बेटा? फ्री लिविंग होते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? टेरिडोफाइट की, मोस्ट टेरिडोफाइट की। लेकिन जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है उसमें पहली बार क्या हुआ? फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड हुआ स्पोरोफाइट पे। फ्यूचर में क्या होने वाला है कि ये जो स्पोरोफाइट, ये जो स्पोरेंजिया है, इसके बाहर इंटेग्यूमेंट बनेगी और ये सीड बनाएगा। मतलब अगर मैं तुझे कहूं कि सीड क्या होता है, सीड एक ऐसा स्पोरेंजिया था जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट अंदर था और जाइगोट अंदर बना। टेरिडोफाइट में सिर्फ क्या हुआ है? फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड हुआ है और हेट्रोस्पोरस हुआ है। अभी सीड नहीं बनेगा, सीड की तैयारी हुई है। जैसे मैं कह रहा हूं कि सीड बनाने के लिए चार कंडीशन है। पहला, हेट्रोस्पोरस होना, यस हो गया। दूसरा, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, ये भी हो गया। लेकिन दो कंडीशन नहीं पूरी हुई। कौन सी? कौन सी दो कंडीशन पूरी नहीं हुई? पहला, इंटेग्यूमेंट नहीं बना, मतलब सीड कोट नहीं बन पाएगा। और दूसरा बेटा, जो एम्ब्रियो है ना वो अंदर पड़ा रहे, ये तो फीमेल गैमेटोफाइट बाहर आ गया था, अंदर पड़ा रहे, रेस्टिंग स्टेज में जाए। इसलिए एनसीईआरटी कहती है कि सीड हैबिट का प्रीकर्सर है टेरिडोफाइट में, सीड हैबिट की तैयारी हुई है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठाना है मुझे। क्या हम ये ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं? एल्गी में मियोसिस कहां होती है? सर, जाइगोट में होती है। स्पोर साइज होमो है, होमोस्पोरस। ब्रायोफाइट में कैप्सूल में होती है, इसमें भी होमो है। टेरिडोफाइट में कहां होती है? स्पोरेंजिया में होती है। इसमें मोस्ट टेरिडोफाइट में होमोस्पोरस है, फ्लैजिला और साल्विनिया, ये दो ऐसे हैं जो याद करने हैं। इसमें हेट्रोस्पोरस होता है, सीड होगा नहीं, नहीं नहीं, इसमें भी स्पोरेंजिया होता है। और आप मुझे बताओ, क्या आपने ये पढ़ा है? इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होता है और इसमें ओव्यूल होता है, मेगा स्पोरेंजिया। क्लियर है? यस। तो स्पोर साइज, स्पोर साइज, यहां हेट्रो है, यहां हेट्रो है,
क्योंकि यहां पर सीड बन गया है। चेक करो जल्दी से बेटा, चेक करो जल्दी से। क्लियर है बेटा? बस हो गया खत्म। अब जिम्नोस पर बताना खत्म। यस, है ना, 10-15 मिनट लेंगे। ये क्वेश्चन करो, देखें तुम्हें हो गया। ये समझ में आ गया कि जिम्नो और एंजियो हेट्रोस्पोरस है, उनमें भी स्पोरेंजिया होता है। यस, इनमें भी क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है। इनमें सीड बन गया था, इसमें सीड नहीं बना था, लेकिन सीड की तैयारी हो गई थी। अब मैं चाह रहा हूं कि आप सबसे पहले ये वाले एग्जांपल्स एक बार उठाएंगे मेरे कहने से, क्योंकि मैंने आपको कहा था एग्जांपल्स। हाँ, अब आ जाओ, अब टाइम है एग्जांपल्स याद करने का। हमने एल्गी के करे थे, जल्दी बता भाई, एल्गी के करे थे, जल्दी बता। यस सर, टाइडोफिक क्यों बता रहा हूं? मैं बताता हूं क्यों। देख, ब्रायो तो आसान है मेरे पास, ब्रायो आसान है, मार्केंजिया जामा कप होता है, स्फेग्नम पीट मॉस कहते हैं, ये कर लेगा। हाँ भाई, स्फेग्नम को क्या कहते हैं सर? पीट मॉस कहते हैं। सर आपकी राइटिंग खराब है, रहने दे, कोई नहीं। अब देख, टेरिस, ध्यान दियो बेटा, ध्यान दियो, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, एडियंटम, ये सारे, इन सब को हम एक ग्रुप में डालते हैं, फर्न। इनको किस ग्रुप में डालते हैं? फर्न। फर्न को हम लिखते हैं टेरोप्सिडा। क्लास का नाम क्या है? टेरोप्सिडा। यस, साइलोटम, साइलोप्सिडा। क्या क्लास है? साइलोप्सिडा। इक्विसिटम क्या क्लास है? स्फेनोप्सिडा। ये आएगा क्वेश्चन में, स्फेनोप्सिडा क्लास है, और स्टेल कहते हैं। यस, इन दोनों की क्लास है लाइकोप्सिडा। ये आप भूल जाते हो, ये वो पॉइंट है जिसको आप भूल जाओगे। और इसमें भी बेटा आपने ये दोनों साथ मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये क्या है? हेट्रोस्पोरस है। याद करो जल्दी से, हेट्रोस्पोरस है, जल्दी याद करो बेटा, जल्दी याद करो, जल्दी याद करो, याद हो गए? और जिम्नोस्पर्म में क्या याद करना है? गिंको याद करना है, सिकोया लार्जेस्ट ट्री, रेडवुड कहते हैं इसे, लार्जेस्ट ट्री है, वो याद करना है। पाइनस और सेड्रस को कहते हैं कॉनिफर। यस, करो याद आप सब, जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी। देख, साल्विनिया स्लेजिनेला हेट्रोस्पोरस है, टेरिस ड्रायोप्टेरिस एडियंटम अजोला साल्विनिया, ये क्या है सर? ये फर्न में आते हैं। इक्विसिटम को स्फेनोप्सिडा कहते हैं, साइलोटम को साइलोप्सिडा। जो तो भूलेगा ना एग्जाम में, वो ये भूलेगा, लाइकोपोडियम और स्लेजिनेला को लाइकोप्सिडा में रखते हैं। गिंको अलग प्लांट है, इस पे ड्वार्फ शूट वगैरह होती है। पाइनस और सेड्रस कॉनिफर कहलाते हैं, साइकस अलग है, ये लार्जेस्ट ट्री है, इसको रेडवुड ट्री कहते हैं, रेडवुड। याद कर जल्दी से, जल्दी याद कर बेटा, ट्रिक बता दो, बहुत पिटाई करूंगा, ट्रिक बता दे। और एंजियोस्पर्म तो तुझे पता है ना, बाहर, घर के बाहर नीम का पेड़, ये सब। आ जा, अब जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कर जल्दी से। याद हुआ किसी को? चैट में बताओ जल्दी से, याद हुआ, याद हुआ, जल्दी बताओ, याद हो गया, जल्दी फास्ट, याद हो गया, जल्दी बताओ बेटा, चलो जल्दी करते हैं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अब ये देख, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट बोथ इंडिपेंडेंट, बता जल्दी से, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बोथ इंडिपेंडेंट इन, बता क्या लिखो? टेरिस। दोनों इंडिपेंडेंट किसमें है सर? टेरिडोफाइट चाहिए। अच्छा, वाय स्लेजिनेला, स्लेजिनेला क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? डिपेंडेंट। अच्छा क्वेश्चन है, देख जरा, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंडेंट है, कर लेगा। आ जा, एक बार जिम्नोस्पर्म कर लेते हैं, फिर एक बार साथ में कंबाइन क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से आ जा। देख मेरी तरफ देख, टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या थी बेटा? टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या थी सर? टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या थी सर? स्पोरोफाइट थी। जिम्नो और एंजियो में भी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, ये भी डिप्लॉइड प्लांट होते हैं। जिम्नोस्पर्म में
ट्री मीडियम साइज ट्री होते हैं, लार्ज साइज ट्री होते हैं, श्रब होते हैं, हर्ब नहीं होते। पहला पॉइंट क्या बैठा मेरे दिमाग में, हर्ब नहीं होते। बायोडाइवर्सिटी का जो पाई चार्ट दे रखा है उसमें जिम्नोस्पर्म मेंशन नहीं है। सबसे कम बायोडाइवर्सिटी किसकी है, जिम्नोस्पर्म की है। दूसरा पॉइंट याद रखना है। तीसरा पॉइंट ये बेटा, जिम्नोस्पर्म में दो मेन प्लांट है, एक पाइनस है और एक साइकस है। पाइनस की ब्रांच स्टेम होती है, साइकस की अनब्रांच होती है। पाइनस में निडल शेप की लीफ होती है, साइकस में पाइनेट कंपाउंड होती है। पाइनस में रूट टैप रूट है और क्या प्रेजेंट होता है, माइकोरीजा। क्या प्रेजेंट होता है, माइकोरीजा। सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरेलॉइड रूट। तो आपने क्या करना है, पाइनस और साइकस के ट्री को कंपैरिजन में रखना है। चलो आते हैं, तो जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, हिली एरिया लिख लो, पर और एरिया भी होता है, ठीक है। ट्री में ट्री है, लार्ज साइज मीडियम साइज श्रब है, हर्ब नहीं होते। क्या नहीं होते, हर्ब नहीं होते। जिम्नोस्पर्म का मतलब है नेकेड सीड। एंजियोस्पर्म में ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, जिसको आप मेगास्पोरेंजियम कहते हो। क्या बोलते हो, मेगास्पोरेंजियम बोलते हो। मेरी बात समझ में आ रही है, क्या बोलते हो बेटा, क्या बोलते हो, मेगास्पोरेंजियम बोलते हो। यहां तक समझ में आ रही, जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ रही। अभी इधर देख, जल्दी जल्दी करेंगे, इसको खत्म कर रहे हैं बस। डोमिनेंट फेज क्या है सर, स्पोरोफाइट है। यस, अब ये जो डायग्राम बनाया मैंने, मान ले पाइनस का बनाया, तो पाइनस और साथ में इसका भाई सेड्रस, ये दोनों कॉनिफर कहलाते हैं। तो दोनों के फीचर है ये। स्टेम कैसी होगी, स्टेम कैसी होगी बता सर, स्टेम होगी ब्रांच। ये साइकस है, इसकी स्टेम है, इसकी स्टेम कैसी है, अनब्रांच। इसकी लीफ कैसी है सर, निडल शेप है। निडल शेप के अलावा उसमें कुछ डेजर्ट की अडेप्टेशन दे रखी है। डेजर्ट की क्या है अडेप्टेशन, कौन सी अडेप्टेशन है डेजर्ट की पता, किसी को याद है सर, एक संकन स्टोमेटा दे रखा है, संकन स्टोमेटा दे रखा है, क्यूटिकल दे रखा है, और वो विंड स्पीड और टेम्परेचर से उसको बचाते हैं। रूट टैप है और उसके साथ इसमें माइकोरीजा होता है। क्या होता है बेटा, माइकोरीजा होता है। माइको क्या है, फंगल एसोसिएशन। लीफ क्या है बता, लीफ 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 इसमें कैसी है, पाइनेट कंपाउंड। कैसी है, पाइनेट कंपाउंड। मैं आपको बताता हूं, ये लीफ यहां की टूट जाती है, निशान रह जाता है, कंपाउंड है। और एनसीईआरटी लिखती है परसिस्ट फॉर ईयर, क्या करती है, एक साल तक रहती है। रूट कोरेलॉइड रूट है, कैसी रूट है, कोरेलॉइड रूट है बेटा। रूट कैसी है, कोरेलॉइड, समझ में आ रहा है, रूट कैसी है, कोरेलॉइड। व्हाट इज कोरेलॉइड रूट, यहां पर ये कोरेलॉइड रूट है, रूट नीचे टैप रूट है, ये अलग से आती है। इसमें क्या है, साइनोबैक्टीरिया। क्या फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन। यस और नो, साइनोबैक्टीरिया क्या फिक्स करते हैं सर, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। किसमें, कोरेलॉइड रूट में। क्या ये पॉइंट्स याद रहेंगे, तो क्वेश्चन आ सकता है किसकी स्टेम ब्रांच होती है, पाइनस सेड्रस। किसकी अनब्रांच होती है, साइकस की। लीफ निडल शेप इसमें है, इसमें पाइनेट कंपाउंड है, पाइनेट कंपाउंड है और परसिस्ट फॉर ईयर्स है। यहां पर क्या होती है, जीरोफिटिक अडेप्टेशंस होती है, संकन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, जो विंड स्पीड और टेम्परेचर से इसको बचाती है। इसमें माइकोरीजा प्रेजेंट होते हैं। मुझे चैट में बताओ कौन सा जीनस फंजाई का माइकोरीजा बनाता है, चैट में बता कौन सा जीनस है, कौन सा जीनस है बेटा, कौन सा जीनस है, जल्दी बताओ, माइकोरीजा बनाता है, कौन सा जीनस है, जल्दी जल्दी जल्दी, ग्लोमस, कौन सा है, ग्लोमस, आ जाओ। अब देखो, अब आते हैं जिम्नोस्पर्म के कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं। सीड डेवलप करते हैं किससे, मेगास्पोरेंजियम से। यस, मेगास्पोरेंजियम यहां पर क्या होता है, उसमें इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होता है मेगास्पोरेंजियम में। यस, इंटेग्यूमेंट किसमें डेवलप होता है, सीड कोट में। इंटेग्यूमेंट क्या होता है बेटा, वो हम देखेंगे अभी। फीमेल गेमेटोफाइट इसमें एंडोस्पर्म बनाता है, ये चीज याद रखनी है। फीमेल गेमेटोफाइट खुद एन है, एंडोस्पर्म एन है। आओ कुछ पॉइंट्स हैं जो कंपैरिजन के आपके दिमाग में घुसाते हैं। पहला, टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस है कुछ, जिम्नोस्पर्म ऑल, एंजियोस्पर्म भी हेट्रोस्पोरस होते हैं। यस, कौन टेरिडोफाइट में है, यस फ्यू में। जिम्नोस्पर्म में कौन होता है, सब में होता है।
एंजियोस्पर्म में फ्लावर होते हैं, कोन नहीं होते बेटा, फ्लावर होते हैं। यस, आर्किगोनियम यस, पेरिडोफाइट में यस, इसमें आर्किगोनियम नहीं होता, एग एपरेटस होता है। आर्किगोनियम की जगह एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एग एपरेटस होता है। सी टेरिडोफाइट में नो, इसमें यस, इसमें यस। तो अगर आपसे पूछे आर्किगोनियम कहां कहां है, ब्रायो टेरिडो जिम्नो, इसमें होता है क्या, नहीं होता। कौन किसमें है, कुछ में होते हैं, इनमें सब में होते हैं, इनमें कौन नहीं होते, फ्लावर्स होते हैं। एंडोस्पर्म इसमें नहीं है क्योंकि सीड नहीं बना, इसमें है और कैसा है, हैप्लोइड। इसमें भी एंडोस्पर्म है पर कैसा है, ट्रिप्लोइड, डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से बनता है। डबल फर्टिलाइजेशन टेरिडोफाइट में नहीं होती, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती, एंजियोस्पर्म में होती है। बताओ भाई चैट में बताओ, मजा आई मिस, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अब एक बार जरा देखते हैं कि यार मेल फीमेल कौन क्या होते हैं, इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है, मेल और फीमेल कौन क्या होते हैं एक बार समझते हैं, पर एक बार यहां से देखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। आ जाओ, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, टेरिडोफाइट में स्पोरेंजिया कहां बनते थे, लीफ के नीचे बनते थे और उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता था, उसे हम क्या बोलते थे, कोन। इतनी बात दिमाग में बैठ रही है, लीफ के नीचे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता था, उस पे होते थे या तो कोन बनता था, जिम्नोस्पर्म में कोन बनते हैं। याद ये रखना है कि मेरे पास पाइनस में मेल और फीमेल कोन एक ही ट्री पर होता है। पाइनस में क्या याद रखना है कि मेल और फीमेल कोन, मेल कोन और फीमेल कोन सेम ट्री पर है। अगर सेम ट्री पर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोशियस। मोनोशियस क्या होता है, बाइसेक्सुअल। अब यहां पर क्या है, मेल कोन एक ट्री पर है, फीमेल कोन नहीं होता, उसकी जगह होता है मेगास्पोरोफिल। साइकस में मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट होती है, याद रहेगी बात। पाइनस बाइसेक्सुअल है, मुझे पता मार्केंशिया यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल है, सर यूनिसेक्सुअल है, पाइनस बाइसेक्सुअल है, साइकस यूनिसेक्सुअल है, क्लियर है, यस आ गया। अब देख मेरे पास ये मेल कोन है, सबसे पहले ये याद रख कि कोन की ये जो लीफ है इसको कहते हैं माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटा, और एक और नाम हमने कहां से उठाया, टेरिडोफाइट से, स्पोरोफिल, क्योंकि मेल कोन है, और ये जो स्पोरेंजिया है इसका नाम माइक्रोस्पोरेंजिया है। यस, माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस से हैप्लोइड माइक्रोस्पोर बन गई है, उसकी माइटोसिस से ये पोलन ग्रेन बनता है जिसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। फिर से समझेंगे सारे, फिर से समझेंगे बेटा, और ये किससे मूव करता है, विंड पॉलिनेटेड होता है, किससे पॉलिनेशन करता है, विंड पॉलिनेशन करता है। हमने यहां पर पढ़ा ये मेल कोन है, ये मेल कोन है, इस पर ये लीफ है, इसको कह रहे माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल कैसे अरेंज है, स्पाइरल, तो कोन गोल बन जाता है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया में, इस माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस से, मियोसिस से ये माइक्रोस्पोर बने हैं, इस माइक्रोस्पोर की माइटोसिस से मेल गैमेटोफाइट बना है जिसको पोलन ग्रेन कह रहे हैं। इसके अंदर गैमेट है, मेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है पर मल्टी सेलुलर होता है, काफी सारे उसमें सेल होते हैं। तो याद क्या रखेंगे, याद क्या रखेंगे, जो मेल कोन है, मेल कोन पे माइक्रोस्पोरोफिल है, उस पे माइक्रोस्पोरेंजिया है, उस पर पोलन ग्रेन बने हैं जो विंड से पॉलिनेट होते हैं। याद हो रहा है, जल्दी बताओ, याद हो रहा है, याद हो रहा है। अब आओ, फीमेल कोन पर मेगास्पोरेंजियम होता है जिसका एक और नाम ओव्यूल है, इस लीफ का नाम क्या रखेगा, मेगास्पोरोफिल। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जो साइकस है उसमें ये प्रॉपर कोन नहीं होता, इसकी जगह सिर्फ ऐसी लीफ जैसा स्ट्रक्चर बनता है और उस पर स्पोरेंजिया लगा रहता है, सिर्फ क्या होता है, मेगास्पोरोफिल लिखना चाहिए, मेगास्पोरोफिल। यस, अब देख ये मेरे पास, ये मेरे पास मेगास्पोरेंजियम है, ये क्या है बेटा, मेगास्पोरेंजियम, ध्यान से देखियो, मेगास्पोरेंजियम क्या पिछले ग्रुप में था, टेरिडोफाइट में था, हेट्रोस्पोरस में, मेगास्पोरेंजियम के बाहर, इसे इंटेग्यूमेंट कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसको इंटेग्यूमेंट कह रहे हैं, ये दिख रहा है, दिस इज इंटेग्यूमेंट। अंदर इस सेल को कह रहे हैं न्यूसिलस, यस, इसमें से एक सेल ये,
इसको कह रहे हैं मेगास्पोर मदर सेल जिसकी मियोसिस हुई है। और कितने मेगास्पोर बने हैं? चार मेगास्पोर। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा आपको, म्यूसिलस है यहां पर एक सेल मेगास्पोर मदर सेल, इसकी मियोसिस से चार मेगास्पोर, उस चार में से एक फंक्शनल है। तो मेरे पास कितना फंक्शनल हो गया? एक फंक्शनल है, एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा। इसको कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ये एंजियोस्पर्म में भी होती है। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, उसकी माइटोसिस करी, फंक्शनल मेगास्पोर की माइटोसिस करी, ये बन गया फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बन गया सर? फीमेल गैमेटोफाइट बन गया। इस फीमेल गैमेटोफाइट पर टू और मोर आर्किगोनियम, टू और मोर, एक दो, टू और मोर आर्किगोनियम। ये पॉलन ग्रेन किससे आया था? हवा से, एट द माउथ ऑफ आर्किगोनियम। इसने पॉलन ट्यूब बनाई और इसको फर्टिलाइज कर दिया। यहां पर मेरे पास बन गया जाइगोट, तो फर्टिलाइजेशन किसी एक की होगी, वन फर्टिलाइज हो गया, यस और नो? एक फर्टिलाइज हो गया और फाइनली मेरे पास सीड बन गया। ये क्या है बेटा? ये सीड कोट है। ये क्या है? ये एम्ब्रियो है। ये किससे बना है? जाइगोट से। इधर देख बेटा, इस जाइगोट से जो कि डिप्लॉइड है, इस जाइगोट से मेरे पास बना है एम्ब्रियो, इंटेग्यूमेंट से बना है सीड कोट, और फीमेल गैमेटोफाइट से ये बना है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसा होगा सर? हैप्लॉइड होगा। किससे बना है? इससे। किससे बना है? फीमेल गैमेटोफाइट से। आर ये बात समझ नहीं आ रही, जल्दी बताओ। इससे एंडोस्पर्म बना। तो एंडोस्पर्म मेरे पास हैप्लॉइड है, एम्ब्रियो मेरे पास डिप्लॉइड है। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। बेटा लाइफ साइकिल हट गई, जो लाइनें लिखी हुई है वो कैसे करेगा तू? लाइनें तो लिखी हुई है ना, ये मैं रिपीट कर रहा हूं। आर की सबसे पहले क्या है? इंटेग्यूमेंट है, उसके अंदर न्यूसिलस है, न्यूसिलस का एक सेल मेगास्पोर मदर सेल, उसकी मियोसिस से चार मेगास्पोर, हेटरोस्पोरस है, एक छोटा स्पोर बना, एक बड़ा स्पोर बना, तीन डीजनरेट करके। जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसने क्या बनाया? फीमेल गैमेटोफाइट, उस पर दो और दो से ज्यादा आर्किगोनियम बने, कोई एक फर्टिलाइज हो गया। क्या बन गया? जाइगोट। क्या डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है? नहीं। एंडोस्पर्म किससे बन रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट से एंडोस्पर्म डायरेक्टली बन रहा है। तो जो सीड बना उसमें सीड कोट है, एम्ब्रियो बना है जाइगोट से, और एंडोस्पर्म किससे बना है? फीमेल गैमेटोफाइट से। यस यस, क्लियर है? चलिए खत्म हो गया। एंजियोस्पर्म को हम अब ये देख सकते हो, अब आप कंपेयर कर सकते हो। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म बना है, यस बना है, पर कैसा है? हैप्लॉइड। एंजियोस्पर्म में बना है लेकिन वो ट्रिप्लॉइड होगा। यहां जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन हुई है सर? नहीं हुई है, एंजियोस्पर्म में हुई है। यस, आगे आ जाओ। अब एक सिंपल सा लॉजिक है जो एंजियोस्पर्म में, उसको हम डिटेल में कहीं और पढ़ते हैं, यहां पर बेसिक सा बता देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे। फ्लावर पता है सबको? यस। फ्लावर पर स्टेमन बनता है और पिस्टल बनता है, ठीक है। एंथर बनता है किसमें? स्टेमन में। और मेगास्पोरेंजियम जिसे आप क्या बोलते हो? ओव्यूल। पर यहां दो इंटेग्यूमेंट होते हैं। एंथर के अंदर पोलन बनता है जिसे मेल गैमेटोफाइट कहते हो, उसमें दो मेल गैमेट होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल, देख रहा है? ये वेजिटेटिव सेल है, ये दो मेल गैमेट है और ये एक्साइन है, इसको हम मेल गैमेटोफाइट या पोलन ग्रेन कहते हैं। मेगास्पोरेंजियम में अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सेल में कितने सेल थे? सात सेल थे, आठ न्यूक्लियाई थे, तीन एंटीपोडल, दो पोलर न्यूक्लियाई और तीन सेल ये मेरे पास क्या है? दो सिनर्जिड और एक एक्सेल, इसे एग एपरेटस बोलते थे। तो ये जो दो मेल गैमेट है, एक फर्टिलाइज करता है पोलर न्यूक्लियाई को। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, सिर्फ प्लांट किंगडम में लिखा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में नहीं लिखा ये बात। पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बना सकते हैं। ये क्या बना सकते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये यहां लिखा है, चेक कर लेना भले। यस, तो पोलर न्यूक्लियाई ने सेकेंडरी न्यूक्लियस बना दिया। ये जो एग सेल है इससे अपने पास जाइगोट बन गया। तो आपको ये समझना है कि यहां पर हुई है ट्रिपल फ्यूजन। यहां पर क्या हुई है? ट्रिपल फ्यूजन, पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट, यहां हुई है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी कहां हुई है? सिनगैमी हुई है यहां, उससे बना है जाइगोट। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिलाकर अपने क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म क्या होगा? 3N, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, देखो ये N प्लस N और ये N है, तो 3N हो गए ना, तो ये ट्रिप्लॉइड होगा। तो ये जो सेंट्रल सेल है इसमें पोलर न्यूक्लियाई था,
इससे मेरे पास बना एंडोस्पर्म किससे, ट्रिपल फ्यूजन से। एग से बना है जाइगोट किससे, सिनगैमी से। और फाइनली मेरे पास सीड आता है। तो आपको क्या क्या बात याद रखनी है, सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होता है एंजियोस्पर्म में, हैप्लॉइड होता है जिम्नोस्पर्म में, इसकी डिटेल स्टडी वहां पर है। इसके अलावा आपको ये नाम याद करने हैं, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस इसका टॉलेस्ट ट्री है, वोल्फिया स्मॉलेस्ट प्लांट है, ये कुछ नाम आपको याद करने हैं। कर लेंगे, चलो खत्म हो गया वैसे तो। ठीक है बेटा, तू अगर इतना रिवाइज नहीं करता है दो घंटे में तो बेटा तेरी सिचुएशन बहुत खराब है नीट के लिए, मैं बता रहा हूं। और लाइफ साइकिल तू देख सकता है, एल्गी की हैप्लॉन्टिक है क्योंकि जाइगोट से स्पोर बना रहे हैं या मियोसिस करके, एल्गी हैप्लॉन्टिक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों मल्टीसेलुलर है, ब्रायोटाइडो में होता है। डिप्लॉन्टिक में क्या होता है, डिप्लॉन्टिक में क्या होता है, ये जो गैमेटोफाइट होता है ये डिपेंडेंट होता है। ये क्या होगा, डिपेंडेंट। मेरी बात समझ आ रही है, दिस गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट। और कैसा है बेटा, लेस सेल्स है, लेस सेल्स मतलब रिड्यूस्ड है। आगे आइए, कुछ क्वेश्चंस के जवाब दो। ये वाला कर लोगे, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, पहले बताओ। कुछ क्वेश्चंस खत्म बस, चलो मैं ये स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। विच इज नॉट फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, बता भाई, विच इज नॉट। मैं उसके अलावा एक वर्कशीट डाल दूंगा अभी प्लांट किंगडम की, पर डोपा अलग से आएगा आज। डिप्लॉइड स्पोरेंजिया होगा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होगा, डबल फर्टिलाइजेशन थर्ड आएगा, ज़ेरोफिटिक एडेप्टेशन बताई थी तेरे को। ठीक है चल कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। सर क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट भी दो घंटे में खत्म। हाँ दो लग गए, डेढ़ बोले थे, कोई नहीं, आधे में घंटे की तो तू रील देख डालता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट डिप्लॉइड, स्पोरेंजिया 2N है, स्पोरोफिल 2N है, माइक्रोफिल 2N है। ये सब किस जनरेशन का पार्ट है, स्पोरोफाइट जनरेशन का पार्ट है, ऐसे पता करते हैं। प्रोथेलस N होता है, स्पोर से बनता है, तो इसका आंसर आएगा फोर्थ। प्रोथेलस मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक है, हैप्लॉइड है, वास्कुलर बेटा उसके स्पोरोफाइट में होता है, गैमेटोफाइट में नहीं होता, थर्ड आएगा। प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, रेस्टिंग एम्ब्रियो, टेरिडोफाइट में कौन सी कंडीशन आई थी, टेरिडोफाइट में कौन सी कंडीशन आई थी जो कहते हैं प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट, ये बता जल्दी से, जल्दी बता बेटा। लास्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर बता। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको बायोलॉजिकल करा दूंगा, जो मैं डेढ़ घंटे दो घंटे मैक्सिमम करा दूंगा आपको, और कॉन्सेप्ट के साथ सारे चीज दे दूंगा उसकी। ठीक है यस। हाँ बता भाई, फीमेल गैमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, बी आएगा। चैट में चेक करो अपने आंसर्स। आ गया, सीड बनने के लिए क्या चाहिए बच्चे, ये तीनों चाहिए, लेकिन टेरिडोफाइट में सिर्फ ये थी और हेट्रोस्पोरी थी। अच्छा, सीड बनने में सबसे पहले क्या डेवलप हुआ, हेट्रोस्पोरी। यस, स्लेजिनेला किस क्लास को बिलोंग करता है, ये बता बेटा, स्लेजिनेला किस क्लास को बिलोंग करता है, जल्दी बता, स्लेजिनेला किस क्लास को बिलोंग करता है। सेकंड आएगा लाइकोप्सिडा, सेकंड आएगा लाइकोप्सिडा। पिटाई कर दूंगा तुम्हारी अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा है। यस, इक्विसिटम फेनोप्सिडा को बिलोंग करता है। हाँ भाई, क्या नहीं है, नॉट इंक्लूडेड इन जिम्नोस्पर्म, तीनों इंक्लूड होते हैं। क्या नहीं होते, हर्ब नहीं होते। ब्रांच स्टेम किसमें प्रेजेंट है, ब्रांच स्टेम बता बेटा, ब्रांच स्टेम बता किसमें प्रेजेंट है, जल्दी जल्दी जल्दी। प्लांट फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, और बताओ और कोई। ब्रांच स्टेम किसमें प्रेजेंट है, पाइनस एड्रेस दोनों में, थर्ड आएगा। साइकस के लिए क्या ठीक है, कंपाउंड लीफ ठीक है, पाइनेट लीफ ठीक है, कोरेलोइड लीफ ठीक है, डी आएगा। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। पाइनस के लिए क्या ठीक है, बाइसेक्सुअल होता है, हां सर बाइसेक्सुअल होता है, निडल शेप लीफ होती है, संकन स्टोमेटा होता है, अनब्रांच, फर्स्ट गलत है बेटा, ये गलत है, ब्रांच होता है। साइकस और पाइनस में क्या कॉमन है, ब्रांच, एक ब्रांच है एक अनब्रांच है, ये ब्रांच है कि नहीं, मिडल किसमें, इसमें है।
बाइसेक्सुअल कौन है? ये है, पर दोनों हेटरोस्पोरस है, इसमें भी फर्स्ट आएगा। होमोस्पोरस कौन इज एब्सेंट इन? कौन बोलना चाहिए? एब्सेंट इन नहीं, प्रेजेंट इन। कौन किसमें होगा बेटा? सब में होता है। साइकस में सिर्फ मेल कौन होता है, वैसे तो सब में होता है। छोड़ो ये वाला, हटा दो ये वाला। देखो मेगास्पोरेंजिएट कौन, मतलब ऐसा कौन जिसमें मेगास्पोरेंजिया है, उसमें ओव्यूल होगा, ठीक है, हाँ डिप्लॉयड होगा, प्रोड्यूस मेगास्पोर। थर्ड आंसर है इसका बेटा माइक्रोस्पोरोफिल, उस कोन में नहीं होती जो मेगास्पोरेंजिएट होता है। मेगास्पोर मदर सेल जिम्नोस्पर्म में कहां से आता है, ये बताओ जल्दी से आंसर। ये वाला बताओ, ये ला पहला और दूसरा दोनों बताओ। ये वाला बताओ जल्दी से, थर्ड आएगा। और नंबर ऑफ आर्किगोनिया में कितने डेवलप होते हैं फीमेल में? टू और मोर देन टू लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ने क्या लिखा? टू और मोर देन टू, इसलिए फोर्थ लगाऊंगा। चेक करो अपने आंसर, आंसर चेक करो। मुझे लग रहा है हो गया। तो अभी क्या करोगे? आज टाइम मिले आधे घंटे में एक वर्कशीट भेज रहा हूं, फटाफट से सॉल्व कर लेना। प्लांट किंगडम के ग्रुप में डाल रहा हूं और ये नोट्स भेज रहा हूं। चैप्टर खत्म हो गया, दो घंटे लगे हैं आपके, और मेरे हिसाब से मैं ऐसे ही फास्ट रिवाइज कराऊंगा। और मेरे हिसाब से फास्ट नहीं है, मैंने समझाया पूरा, ठीक है। आप ध्यान रखो अपना, और जो जो आपकी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व करते हैं, डेली एक डोपा सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन में मैं देखता हूँ, कुछ स्पेशल करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको ज्यादा रिवाइज रहे, ठीक है। मिलते हैं, बाय। दूसरा भाई कमेंट में मुझे बता जरूर देना क्या रिवाइज करना है अब पर्सनल, और तुम्हें कितना परसेंट समझ में आया ये जरूर बता देना, और मतलब कमेंट में ये बता देना कि कौन सा और तुम्हें रिवाइज करना है, उसके हिसाब से मैं प्लान कर लूंगा। और ये जरूर बता देना कि तुम्हें कितना परसेंट समझ में आया, क्योंकि मैंने कंप्रेस किया है, मुझे लगे थे सुबह 6:30 बजे से टाइम लगा इसको बनाने में, है ना, लेक्चर को, ठीक है, बाय। यहां नहीं करना, कमेंट में लिख देना।